चालू कर दिया सर। ओके देखो अभी जो नेक्स्ट है ना ये अपना कॉन्फ़िगरेशन वो आता है ई एन जेड। ओके ई स्टैंड्स फॉर एंटी नहीं, हाँ हाँ एंटागैगिन अच्छा एंड जेड स्टैंड्स फॉर जूसा में, अच्छा ऐसे ही नाम है बाकी ऐसा कुछ नहीं। समझ हाँ 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 में? हाँ एंटागन मतलब होता है ऑपोजिट साइड और जूसामेन सेम साइड। मतलब समझ रहे हो ना वही सेम साइड। मतलब अगर ग्रुप सेम साइड आ गए तो जेड हो जाएगा, ऑपोजिट साइड आ गए तो हाँ सर, ये जो क्या बोलते हैं अभी, जैसे सिस एंड ट्रांस है तो सर उसके अंदर है ना वो सेम साइड ऑपोजिट साइड एंड सेम ग्रुप होता है। एंड सर हाँ। अगर लेकिन इसमें है ना इसमें अपन प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे अलग अलग हाँ रहेगा, पता है ओके ऐसे मतलब रहेगा, ऐसा दो सेंटर रहेगा उसमें ऐसे ऐसे ग्रुप आएंगे, हायर इधर प्रायोरिटी एक ग्रुप वाले ये इधर। अगर हाँ ऊपर है तो उसको बराबर, अगर जूसा इसमें मैन बोल ये देंगे। दोनों में हायर प्रायोरिटी इसका है और ये दोनों में इसका हायर प्रायोरिटी, दोनों सेम साइड आ गए तो हाँ इसको जेड बोल देंगे, ठीक है ठीक है। समझ और अगर समझ रहा ऑपोजिट आएंगे तो ई। देखो ऐसे याद रखना ई सेम साइड दिखता है बट एक्चुअल में होता ऑपोजिट है, हाँ और जेड एक दूसरे का ऑपोजिट टच है देखो ना, हाँ लेकिन एक्चुअल में होता सेम है। सेम है हाँ सर हाँ समझे, ऐसे याद रखोगे ना तो हो जाएगा ये। ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ ना तुमको कुछ पढ़ना नहीं होगा, मतलब जितने चैप्टर मैं कराऊंगा ना वो सिर्फ जो नोट्स मैंने किया है ना बेटा हाँ वो पढ़ लोगे ना तो नीट का क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, ठीक है सर समझे। चलो ये हाँ देखो, सर ओके इट इज एप्लीकेबल एनी वेयर इवन फॉर सिस एंड ट्रांस। अच्छा मतलब वो है ना, एक अगर सिस हुआ ना तो एंटी भी हो एंटा जो भी है वो एंटागेगन मतलब ई भी हो सकता है जेड भी हो सकता जेड है, भी हो सकता है। हाँ समझ में? ऐसा है। हाँ सर और अभी आगे चल के मैं तुमको सिन और एंटी भी सिखाऊंगा, ओके okay? तो इट इज एप्लीकेबल एनी वेयर फॉर एवरीवेयर, क्या लिख दिया एनी वेयर लिखा ना, हाँ इट इज एप्लीकेबल एनी वेयर इवन फॉर सिस एंड ट्रांस एज वेल एज सेना 90 सिन एंड एंटी। ओके और जब भी उन लोग कोई भी ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे या इनऑर्गेनिक का चैप्टर या फिजिकल जो मैंने पढ़ाया ना तुमको, तो तुम जरूर मेरी वीडियो देख लेना पहले, हाँ सर ठीक है तो उससे क्या हो जाएगा होता है तुमको पूरा याद हो जाएगा। हाँ रिवीजन हो जाएगा इट इज एप्लीकेबल फॉर, एक चीज तो पक्का है, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड क्या बोलते हैं मोशन, मोशन नहीं बोल सकते रोटेशन। हाँ रोटेशन सिस्टम, पता है ना जीआई का तीन क्राइटेरिया था स्टार्टिंग में ही बताया था, हाँ सर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, अलग डिफरेंट अलग ग्रुप ग्रुप होना होना चाहिए चाहिए एंड एंड दे शुड बी ऑन डिस्टेंस, सेम प्लेन, सेम हाँ प्लेन, सेम प्लेन या फिर सर डिस्टेंस अलग होएगा ना L1 और L2 वो वाला। वेरी गुड। ओके तो ये किसको किसको एप्लीकेबल है, सच एज सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे आएंगे उनको एप्लीकेबल होगा, सी सी डबल बॉन्ड डबल एन बॉन्ड, आएगा सी डबल बॉन्ड यहाँ पे, ओ हाँ यहाँ पे लोन पेयर आएगा, फिर ये एन डबल बॉन्ड एन के केस में भी आ जाएगा, या फिर बायफिनाइल भी, हाँ बायफिनाइल या फिर क्यूमुलिंस। क्यूमुलिंस पता है, याद है कुछ? हाँ सर वो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होता था तो ऑपोजिट नहीं पेयर। नहीं अल्टरनेट पाई बॉन्ड मतलब साइमल्टेनियस पाई बॉन्ड, हाँ एक वही साथ पाई वही बॉन्ड बट दे वही आर इन अपोजिट प्लेन, हाँ ऑपोजिट प्लेन में वही बोल रहा उसके था लिए सर। क्राइटेरिया था पता है ना, इवन वाला नहीं दिखाता ऑड वाला हाँ दिखाता हाँ है। हाँ वही बोल रहा था सर। और चलो बाद देखो में जो उसके आगे था सर स्पायरन था ना, नहीं स्पायरन पहले था मतलब क्यूमुलिंस के बाद था बराबर, हाँ क्यूमुलिंस के बाद था तो उसके अंदर है ना अगर वो सिमेट्रिकल होता था जब उसको ऐसा एंड टू एंड ऐसा काटते थे और सिमेट्रिकल होता था तभी हम है ना क्यूमुलिन का फंडा यूज कर सकते थे। हाँ हाँ बट कैसा है बेटा बताया, तुम्हारा कितना भी मेमोरी शार्प हो तुम भूल ही जाओगे, तो तुमको क्या हाँ करना होगा पता है, वो एग्जाम्पल जो मैंने कुछ 40-50 एग्जाम्पल तुम्हारे साथ डिस्कस किए थे हाँ फोर्टी तो उसमें है ना, सेवन हाँ तो उसमें प्रीवियस ईयर नीट आईआईटी जेईई मेंस और ये सबके क्वेश्चन है ना, सबके क्वेश्चन कवर हो गए हैं, मतलब ऐसा वो सेट अच्छा हर साल बढ़ा देते हैं, मतलब मैं ना वो सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल बढ़ा देता हूँ, अभी जो श्रेया को क्वेश्चन आए होंगे ना वो फिर आ जाएंगे उसमें,
ये श्रेया कब बहुत लकी थी इस बार, मतलब इस बार का पेपर पूरी हिस्ट्री में सबसे इजी आया था। पता है कोचिंग वाले बच्चे उल्टे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, क्योंकि कोचिंग में बहुत कुछ पढ़ाया जाता है ना, हाँ लेकिन इन लोग ने हाँ पूछा सिर्फ एनसीईआरटी का बस हाँ इसके लिए। चलो यहाँ पे देखो, तो ये सी डबल बॉन्ड सी हो गया, और ये आ गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी असाइन प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप। बॉन्डेड टू, वी असाइन प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप बॉन्डेड टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, और कभी कभी है ना ये एरिया भी बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो भी इंडिविजुअली, मतलब कैसा है देखो, ये एक, ये एक, इन दोनों में देखेंगे किसको प्रायोरिटी ज्यादा है, फिर हाँ इसमें देखेंगे इसको प्रायोरिटी ज्यादा है, अगर इसको प्रायोरिटी ज्यादा है तो एक नंबर, इसको प्रायोरिटी ज्यादा है तो एक नंबर, दोनों अपोजिट आ गए तो ये क्या आ हाँ जाएगा, ई आ जाएगा। जेड, हाँ सॉरी ई ई, हाँ हाँ बोला ना ऐसे दिमाग में ऐसे ऑपोजिट लेके चलना, हाँ सेम साइड आया तो ऑपोजिट है, देखो ना सेम है सेम। हाँ हाँ समझा सर। ओके तो हमेशा जिसका हायर प्रायोरिटी होगा उसको विल गिव वन, और लोअर प्रायोरिटी वाले को विल गिव टू सर, ये तो सेम ऐसा मोल कॉन्सेप्ट के अंदर भी होता है ना कि सर सल्यूट को 1 देते हैं, सॉल्वेंट को 2 नंबर देते हैं। नहीं, सॉल्वेंट को ऑलवेज गिव वन नंबर। हाँ सॉरी, सॉल्वेंट को 1 देते हैं, सल्यूट को 2 देते हैं, एंड हाँ, सॉल्यूशन का और कोई कोई भी कोई लोग नंबर ए और इंसर्ट बी कर सकते करके हैं। देते हैं, हाँ ए और हाँ बी करके देते हैं। हाँ, फिर इसके बेसिस पे पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिखाया जाता है, हाँ मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर हाँ, पार्ट्स बिलियन। पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ऐसा सिखाया जाता है। बट पीपीबी और पीपीटी का इतना यूज नहीं होता, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन है ना, वो नहीं यूज होता, हाँ सिर्फ सिर्फ पीपीएम यूज होता है। हाँ मिलियंस का यूज होता और फिर रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, है। हाँ मतलब कभी आपको मोलैरिटी दिया ना तो डायरेक्टली मोलैलिटी कैसे ढूंढनेगा, हाँ उसका हाँ फॉर्मूला है, ट्रिक है उसका। हाँ सर, ठीक है, और फिर नॉर्मल उसके बाद मोलैरिटी का मेरे को याद है, नॉर्मलिटी इज मोलैरिटी इनटू एसिडिटी या फिर बेसिसिटी, हाँ सिंपल, उसको एन फैक्टर बोलते एन हैं, फैक्टर बोलते हैं। हाँ और एन फैक्टर बहुत कुछ होता है, मतलब हाँ एसिड के हाँ लिए बेसिसिटी होता है, एसिड के बेस लिए के लिए एसिडिटी होता है। बेसिसिटी, हाँ, और बाद में सर आयंस के लिए वो चार नेट सॉरी आयंस के लिए चार्ज होता है उनका, बाद में कोई एटम के लिए उसका वैलेंसी होता है, और सॉल्ट के लिए नेट चार्ज होता है ऑफ आयन और ओके कटायन। हाँ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, वो नहीं पढ़ा होगा तुमको, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट याद जैसे नहीं के मेरे टू को। सी आर टू, के टू सी आर टू वो सब है ना, इसका एसिडिक मीडियम में, अच्छा और फिर हाँ, बाद में कोई बेसिक मीडियम में भी अलग होएगा इसका एन फैक्टर। हाँ सर, KMnO4, ये पढ़ाया नहीं है लेकिन KMnO4 एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तीनों मीडियम में इसका एन फैक्टर चेंज होते रहता है, समझ में हाँ ऐसा। और एक्चुअल में वो सब क्या होता है बताओ, वो सब इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है, वो हाँ सब हाँ सर, चूर्ण वो का नहीं हाँ है। वो इक्विवेलेंट वेट का सर, मतलब वो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन से रिएक्ट करता है। बट एक्चुअल में भी बेटा बोलूँ तुमको, वो इक्विवेलेंट वेट का लोग डेफिनेशन ऐसे देते हैं, दैट वेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट्स विद 1 ग्राम ऑफ अ हाँ हाइड्रोजन, हाँ हाँ और हाँ 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 एट ये ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम या ऑफ फिर थर्टी ऑक्सीजन, फाइव या फिर पॉइंट फाइव ग्राम्स ऑफ फाइव क्लोरीन। ग्राम ऑफ क्लोरीन, या फिर हाँ बोलते हैं ना अपना ये जो N2 होता है ना, हाँ उसका 28/6 लेते हैं ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर उसको थोड़ा सा और इजी कर सकते हो, 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा। हाँ ऐसा ही वो सब बोला है क्यों मैंने। आता है, वो सब क्यों आता है पता है, वो ऐसे बोलेंगे, या फिर 23 ग्राम ऑफ सोडियम उससे रिएक्ट होता है, या फिर बोलते हैं ना 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर तुम बोल रहे हो ना 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, हाँ ऑक्सीजन का कितना बोला, 8 एट ग्राम ऑफ ग्राम्स ऑक्सीजन, हाँ एक्चुअल में क्या होता है बताया बेटा, ये सब है ना, ये सब, ये सब। हाँ चूरन
क्यों बताए, इसको तो तुम कितना भी ले सकते हो, फिर नाइट्रोजन का लिख दो, फिर फ्लोरीन का लिख दो, फिर बोलता है ना कार्बन का लिख दो, ऐसे तो सबका आ जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ तो ये हाँ डेफिनेशन कैसे बनाई गई है ना वो अपने को सुनना है। चलो अब स्टार्ट ही कर दिए तो तुमको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो होता है ना जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे या फिर एब्जॉर्ब करे, मतलब लॉस करे या फिर फिर गेन करें। गेन करे, या फिर उनके साथ रिएक्ट करे, इन शॉर्ट में, बराबर? हाँ अब जरा देखो इधर, इधर देखो बेटा, एक ऑक्सीजन आइटम है, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? O2 उसके पास दो लेगा, नहीं अगर नहीं एक ऑक्सीजन CO2 आइटम कर ले लो, एक ऑक्सीजन आइटम कितना लेगा? दो हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, O-2। ओ ओ एक माइनस टू ऑक्सीजन आइटम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो ये 2-6 हुआ। हाँ उसको वो स्टेबल कौन मतलब नियर हाँ स्टेबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बराबर, उसका अभी ये है। क्या हो गया, 2-8 हो गया, बराबर? अब जरा देखो, 1 मोल ऑक्सीजन आइटम, ये तो तुमने सीखा होगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, बराबर? हाँ। अब जरा देखो, 1 मोल ऑक्सीजन आइटम का मास कितना होगा, 16 ग्राम, 16 ग्राम। हाँ बराबर ना? O2 32 ग्राम होता है। हाँ वो मॉलिक्यूल होएगा। हाँ, तो इधर देखो, 1 मोल ऑक्सीजन आइटम मतलब 16 ग्राम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, हाँ तो 1 मोल कितना लेगा बेटा, 1 मोल मतलब चार। मतलब 16 16 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है ना, हाँ अच्छा मतलब ओके 8 8 8 8 ना? तो ये देखो आपका आंसर है। अरे आपका ये मतलब था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीजन का कितना ग्राम लेगा ऐसा। बराबर बराबर, उन लोग ये हाँ सब कुछ किससे लेके आते हैं पता है, कि एक एक मोल जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके बराबर के वेट को अपन इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, मतलब जो अच्छा 1 मोल इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करे या फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करे। अच्छा अच्छा समझा। आया समझ में? ऐसा होता है। अभी देखो क्लोरीन का क्यों 35.5 लिया, एक क्लोरीन का मास है ना, एवरेज एटॉमिक मास 35.5 थर्टी आता है, फाइव पॉइंट फाइव है और और वो है एक ना सी एल एक इलेक्ट्रॉन लेने के हाँ बाद एक माइनस सी एल बनाता है। माइनस हो जाता है तो वो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके वजह से 35.5। हाँ, और वो लोग 14/3 क्यों लेते हैं, एक नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके N-3 बनाता है। हाँ हाँ, समझ में? तो हाँ एक नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम, 14। हाँ और तो वो तीन 14 ने इलेक्ट्रॉन 3 मोल लेता है। लिया, हाँ तो 1 मोल कितना लेगा, 14/3 ग्राम लेगा ना। 14/3 लेगा। हाँ हाँ, समझ में? हाँ तो ये सब चूरन पानी, मतलब ये एक्चुअल रीजन है। अच्छा सर वो लोगों ने ना क्या बोलते हैं कि ऐसा रट्टा करा दिया ना सर तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया था ये सब समझने में। हाँ, बोलो, समझ में आ गया ना एकदम मस्त में? हाँ तो सर क्या हुआ कि है हाँ ना ये मैं ना कल ये लोगों का वीडियो देखना चालू किया वापस से ये मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टार्टिंग से देखना चालू क्योंकि है ना सर मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रहा था तो चालू किया ना तो ऐसा सब देख रहा था धीरे धीरे समझ में आया मेरे को। अच्छा, लेकिन ऐसे ये जो अपन ने पढ़ा ना बेटा, इसको हाउ एंड व्हाई बोलते हैं, हाँ मतलब हर एक चीज का रीजन, मतलब सर बिना रीजन के बोलते ऐसे हैं ना। समझ में आ गया मेरे को वो वरना हाँ, जो अभी होता मैं है तो तुमको किसी को भी दे दूंगा और उसका एटॉमिक वेट दे दूंगा ना, तो तुम सिंपली बता दोगे उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। हाँ। मतलब अभी उसे जैसे ज्यादा मैंने कुछ तुमको, याद जरूरत रखने का जरूरत नहीं है उसमें एक नहीं, बार। बराबर, अभी जैसे हाँ मैंने तुमको फॉस्फोरस बोल दिया, इधर देखो फॉस्फोरस बोल दिया और बोल दिया बेटा फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है, तो तुम अभी क्या सोचोगे कि फॉस्फोरस कौन से फैमिली का है, नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन सिंपल, फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तीन और क्या बना इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा पी थर्टी वन माइनस थ्री थर्टी वन मतलब बाय थ्री 31/3, सिंपल हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो हाँ अभी सुनो उन लोग कैसे सिखाते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ फॉस्फोरस डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। हाँ 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 सर एग्जैक्टली एटॉमिक वेट ऐसे ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू 31, बेटा फॉर्मूला वैलेंसी वेट कितना है? फॉर्मूला वेट बोलता है सर। हाँ, फॉर्मूला अभी चूरन पानी है। सर देखे तो ये सब एक ही चीज है ना बस उसका अलग अलग नाम दे दिया है। ये जो नीचे है ना बेटा, वैलेंसी लो, एसिडिटी लो, बेसिडिटी लो, उसको सबको एन फैक्टर बोलते हैं। हाँ चलो वो इधर पता देखो, एसिड है ना, एसिड HCl, ये क्या करता है, एच उसका प्लस प्लस सी एल माइनस देता है हाँ ना। उसका एन फैक्टर एक है। हाँ, इधर देखो वो एन फैक्टर क्या होता है वो भी बता देता हूँ, एक एच प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, एक ना, तो हाँ एच बन गया, बराबर? हाँ तो एक एच प्लस आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब इसके पूरे एक मॉलिक्यूल ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना, एक मोल, हाँ हाँ तो 1 मोल HCl 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, बराबर? और हाँ अपने लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, वो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले, हाँ हाँ तो HCl का n फैक्टर 1 ही होता है। आ समझ में? अच्छा ठीक है अब H2SO4 देखो, H2SO4
कैसे टूटेगा? टू एच प्लस प्लस एसओ फोर एसओ टू फोर माइनस, टू माइनस। हाँ तो एक तो एच टू एसओ फोर का मॉलिक्यूल 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, हाँ बराबर। अच्छा लेकिन लेकिन सर, तो इसकी वजह से है ना हाँ बोरिक एसिड के अंदर वो वाला नहीं बैठता, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वाला, इलेक्ट्रॉन के हाँ हिसाब से करेंगे तो बैठ जाएगा क्योंकि बोरिक एसिड मैंने तुमको सिखाया था, एक्चुअल में वो एसिड है, वेम्यूला। लेकिन वो है ना, हाँ वो वेमुला जो है ना, वो ये एच प्लस देता ही नहीं है, वो क्योंकि है ना इसकी OH ले लेता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये पानी से एच टू ओ लेता है और एच प्लस रिलीज कर देता है, समझ में आया? क्योंकि ये तो वीक मोनोबेसिक मोनोबेसिक लुईस ल्यूस एसिड है, एसिड है। बताया था ना, दलित लड़का मर गया हाँ था, हाँ 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 वेमुला हाँ हाँ उसके, ये मैं जनरली ऐसे मतलब एक गलत तरीका है लेकिन बच्चों को याद कराता हूँ ऐसे, हाँ आ समझ में? तो इधर देखो, अभी जब H2SO4 में एक ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन ले लिया, बराबर, हाँ हाँ, तो अभी तुम क्या करोगे, इसका क्या निकालते हो, पहले इक्विवेलेंट वेट निकालते हो, हाँ H2SO4 का इक्विवेलेंट हाँ वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर नाइनटी वेट एट ऑफ H2SO4 हाँ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी। हाँ तो 98 एक्चुअल में बाय टू इधर देखो, ये 98 डिवाइड बाय 2 करते हो, और एक्चुअल में क्या है, एक H2SO4 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब 98 ग्राम 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, और अपन इक्विवेलेंट वेट किसको बोलते हैं, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है, हाँ तो 1 मोल कितना लेगा? हाँ तो 98 बाय फोर्टी टू नाइन 49। इसका आंसर हाँ 49 आएगा, सर देखे तो ये समझ सब रहे? यूनिटरी मेथड है, लेकिन ये लोग है ना ऐसे बताते कि हमें ऐसा रट्टा मारना पड़ेगा ना अरे समझ एकदम में। एकदम, मतलब बता रहा हूँ ना मूल कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने बोला ना बहुत इजी है बेटा। तुमको एक बात बताऊँ, नीट है ना, नीट वही नहीं क्लियर कर पाते ना जो पढ़ते नहीं है, सच बात बता रहा हूँ तुमको, नीट में है ना कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, इतना लल्लू लल्लू क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं तुमको क्या बताऊं, सर एक अभी बार जेई आपने ना डिफिकल्ट। आपने ऐसा एक्सप्लेन किया ना तो मेरे को समझ में आया सर, लेकिन वो जैसे पढ़ा रहे ना मेरे को बहुत अजीब लग रहा था। होता है बेटा कैसा, सबका अलग अलग स्टाइल है, मतलब अपने को हाँ सबसे सीखना अभी चाहिए, वो बट जो बोलते हैं ना, पोर्शन भी कंप्लीट करने का वो तो एक चीज है ऐसा। नहीं पोर्शन कंप्लीट करना ठीक है, अभी जो मैंने बताया तो तुम्हारे सारे एसिड का हो गया ना कंसेप्ट, हाँ। अभी जैसे देखो H2SO4 है, इन लोग बोलते हैं उसका बेसिसिटी कितना है, टू दो है, है। तो ये सब मैंने तुमको पढ़ा दिया है बॉन्डिंग में, ये देखो हाँ OH, हाँ ये नॉन मेटल है और ये क्या है, ऑक्सीजन, तो दोनों के बीच ऑक्सीजन। की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसके ज्यादा डिफरेंस O और H के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये H प्लस दे देगा, एच प्लस दे देगा। हाँ और वही अगर तुम ये ले लेते हो H3PO3, तो इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये सिखाया होगा तुमको H3PO4 H3PO3 हाँ 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 सिखा सिखा H3PO2, है तो इसकी पी बेसिसिटी 3 पी होती है, से इसकी 2 होती रहता है, है और इसकी 1 होती है। हाँ। अब सिंपल सा रीजन क्या है बता, देखो कोई भी फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, उसमें एक पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स होता है, हाँ हाँ कितना, एक पी डबल बॉन्ड ओ, चलो अब अरेंज करो, तो इधर देखो OH 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 अरेंज हो गया, हाँ अब इसको अरेंज करो, एक पी डबल बॉन्ड ओ फिक्स हो गया, अब हाँ अरेंज करो, OH कितना OH 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 OH, ओ खत्म हो गया, H आ गया, हाँ तो अब ये 2 ही H देगा, खत्म, हाँ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं कि नहीं इलेक्ट्रॉन है। ले लेगा, हाँ और जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में वो ऐसा ज्यादा है, हाँ, मतलब और इसका कंपेरिजन देखो कर इसका सकते। बनाओ H3PO2 का पी डबल बॉन्ड ओ बना दिया बेटा, ये एक ओ आ गया, एक ओ ओ एच, एच ऑक्सीजन ओ खत्म हो गए, एच और एच एच। और ओ यही देगा, तो वन हाँ आसान, ये सब बहुत हेलो, ये सब चूरन पानी है, और ये सब है ना तुमको मैंने उसमें सिखाया है, अपना वीडियो जो भेजा है सर ना, ये वाला ऐसा मेरे को जो भी था ना ये समझ में आ गया सर, लेकिन वो जब ऐसा एक्सप्लेन किए थे ना सर वो बहुत अजीब ही था सर। देखो मैंने तुमको क्या बोला, टीचर मतलब अगर तुमको कोई कंसेप्ट आता है तो तुम है ना 5वीं के भी बच्चे को सिखा दोगे, हाँ मतलब उसको याद करने का तरीका, अभी देखो ये जो मैंने मेथड बताया, पी डबल बॉन्ड ओ बना दे और उसके बाद OH बना, तो क्या हाँ है, ये तो 5वीं का भी बच्चा बनाएगा ना, वो देखेगा अरे वो हाँ तो खत्म हो गया, तो अभी H तो डायरेक्ट लगाना पड़ेगा, हाँ 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 तो वो तो लगा ही देगा ना इजीली। हाँ नहीं ये सब आता नहीं यार, ये सब झल्ला है, मतलब अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ ना अच्छा वो, हाँ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक हम लोग यहाँ पे थे बेसिकली कि जब प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी है ना, तो प्रायोरिटी का मैं बता रहा था, जिसका प्रायोरिटी हायर होता है, हायर प्रायोरिटी, उसको वन देते हैं गुड, हायर प्रायोरिटी को क्या देते हैं, वन, वन। इसीलिए लग रहा था मेरे को, मतलब कैसा बताए, केमिस्ट्री का कोर्स है ना, मतलब अगर ऐसे रेगुलर क्लासेस लेते हो तो मेरे से 1.5 आवर रेगुलर, तो आई फिनिश इट विद इन 6 मंथ्स, खत्म, समझ में अच्छा आया? हाँ हाँ 1.5 आवर डेली मतलब कितना हो गया, 10 दिन का अपना 15 आवर हो गया, महीने का हाँ कितना हो गया, 45, 45 इंटू 6 करोगे, बहुत ज्यादा हो गया यार, मेरे ख्याल से मैं 4-5 महीने में ही खत्म कर दूंगा,
ऐसा है, इधर देखो, तो ये प्रायोरिटी एच का मतलब जिसका हायर प्रायोरिटी होगा बेटा उसको एक नंबर देंगे, और जिसका लोअर प्रायोरिटी होगा उसको दो देंगे। उसको दो देंगे। मैं तुमको ये भी बता दूंगा मतलब कि लोग उसके जगह पे क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, क्यों पता है, वो रिपीटर्स को पढ़ाने का फायदा है, क्योंकि वो लोग अलग अलग क्लासेस से पढ़े रहते हैं, अच्छा और वो हाँ लोग आके मेरे को ऐसे बताते हैं कि सर ये कंसेप्ट हमने ऐसे सीखा था सर, तो हमको ये बहुत तकलीफ होता था। अब इसे नॉर्मैलिटी ढूंढने जाते हैं ना, तो उसमें बच्चे लोगों को इक्विवेलेंट वेट ढूंढना पड़ता है, तो इक्विवेलेंट हाँ वेट, हाँ फिर मॉलिक्यूलर वेट, फिर फॉर्मूला वेट, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वो हाँ कि हाँ मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट सिंपल, फॉर्मूला वेट आयनिक कंपाउंड के लिए आता है, क्योंकि वो उन लोग का मैंने तुमको बताया था आयनिक कंपाउंड में, ये बॉन्डिंग में, कि उन लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहते, उन लोग आयन के हाँ फॉर्म में आयन रहते के हैं, फॉर्म में रहते हैं। हाँ इसीलिए उनको फॉर्मूला बोलते हैं अपन हाँ ऐसा। और इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या, ऐसा वेट जो इक्वल हो किसके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन वन के, मोल वो इलेक्ट्रॉन के अपन मोल सबका इलेक्ट्रॉन के ढूंढते हैं, तो ढूंढने का वो अलग अलग तरीका बनाया गया है। समझा सर। तो अगर हाई प्रायोरिटी सेम साइड आ गया तो सेम साइड आ गया तो उसको है ना सर जेड बोलेंगे, जेड, जूसा मैन और अगर ऑपोजिट साइड आ गया तो ई, वो उसको पता नहीं एंटा स्पेल। गैगन। हाँ एंटा हाँ गैगन। एंटा गैगन, हाँ तुमको वो ये कोई पूछेगा भी नहीं कि एंटा गैगन क्या होता है और ये सब क्या होता है, बस सिर्फ है ना अपने को याद होना चाहिए। अब इसमें जो बोलते हैं ना, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना बेटा, वो क्या है पता है, प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना, अगर वो आ गया ना सर तुमको वही वही पूछना था। तो बस फिर सब खत्म हो जाएगा। ठीक तो है सर। प्रायोरिटी ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय सीआईपी रूल। देखो सीआईपी रूल मतलब ये तीन साइंटिस्ट थे, एक पहले का नाम है कान, समझ में, अपना कान नहीं, हाँ कान, हाँ सी ए एच हाँ एन, और इसका नाम था इनगोल्ड, और इसका नाम था प्रीलॉग। सर प्रीलॉग तो कोई मैथ्स का टर्म लगता है। क्योंकि वो प्री लगाया और फिर लॉग लगाया हाँ इसके लिए हाँ ना हाँ हाँ बट केमिस्ट्री में ये सब बिल्कुल नहीं, हाँ आता है लॉग, आता है फिजिकल लॉ केमिस्ट्री में आएगा, अच्छा आएगा क्या? हाँ आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में, लॉग एंटी लॉग सब आएगा, और अच्छा कुछ अपने को करना नहीं होता है, सब याद रहता है, अच्छा मतलब तुम कोई भी ऐसा लॉग टेबल रहेगा तुम्हारे पास, वैल्यू होगी मेरे को बताना, मैं उसका लॉग वैल्यू बता दूंगा तुमको बिना अच्छा देखे। अच्छा तो ये देखो प्रायोरिटी ऑर्डर इज डिसाइडेड बाय सीआईपी रूल, तो फुल फॉर्म समझ में आया ना, हाँ हाँ, तो प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर प्रायोरिटी ग्रुप ले लेते हैं, प्रायोरिटी ऑफ एंटायर ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ एंटायर ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। अरे सर ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, अरे एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर हाँ एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एटॉमिक मास नंबर, क्यों पता है, अगर ये सेम हो गया तो, एक लड़का बोलता है सर मेरे पास प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है सर, तो मैं किसका बोलूं, सबका एटॉमिक नंबर तो एक है, वो इसका एटॉमिक नंबर एक है, इसका दो है, इसका तीन है, मास नंबर के साथ चले जा, एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया ना, हाँ फिर सर किसको प्रायोरिटी देगा, हाँ मास नंबर, हाँ समझ में आया, जैसे कि मेडिकल की एग्जाम में है ना, अगर तुम्हारा मार्क्स क्लैश करेगा ना तो फिजिक्स को प्रायोरिटी देते हैं, अच्छा हाँ ऐसा होता है, अब पता नहीं हर साल चेंज होते रहता है, और जेई में मैथ्स को प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ओके जिसका मैथ्स में ज्यादा रहेगा ना वो उसको दे देंगे एडमिशन, ओ समझा सर। इंजीनियर है ना, हाँ हाँ तो मैथ ज्यादा स्ट्रांग होएगा उसका, वो ही ऊपर आएगा। हाँ। और ये एटॉमिक नंबर किसका बेटा, ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऑफ फर्स्ट ग्रुप, कभी कभी एटम भी होता है, बॉन्डेड टू स्टीरियोजेनिक सेंटर, बॉन्डेड टू स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है इसका, कुछ ये कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना एक एक तरीका होता है वो अपने को हाँ फॉलो करना चाहिए, जैसे इधर हाँ देखो एग्जाम्पल, एक ग्रुप CH3 है, एक ग्रुप NH2 है, एक ग्रुप OH है, और एक ग्रुप F है, आया समझ में, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, ये हो सिक्स, जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 7, 7 इसका 8, इसका 9, 9 मैं अब भी बोल रहा हूँ बेटा सिद्धार्थ, कुछ बेसिक चीजें है ना उसको कर लो कैसे भी करके, बताए क्या, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दिया था ना वो हाँ तुमको करना ही है, दूसरा पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, नहीं तो क्या होगा बताया बेटा,
यू विल स्ट्रगल लेटर ऑन. और है ना जो फालतू जो टाइम है ना उसको स्किप करो. मतलब बहुत सारे लेक्चर ऐसे भी होते होंगे जिसमें अगर तुम म्यूट करो तो उनको पता नहीं चलेगा. जैसे अब जैसे मैं एक तुमको सिंपल बात बताता हूँ. अब तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर मेरे से पढ़ा है, ठीक है, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ा है, तुमको सही पता है. हाँ. एक कान में लगाओ और नोट्स रिवाइज करते रहो, समझ में आया? टाइम कम है बेटा, ठीक है, समझे? नहीं तो कैसा हो जाएगा बता. देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर कैसे फटाफट टाइम चला गया. सर सर तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अभी जो केमिस्ट्री जो सर सिखा रहे हैं ना, वो मोल कॉन्सेप्ट का सर, तो वो क्या रहेगा, जो नया नया कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं वो सर, उसको है ना मैं रहने देता हूँ अभी के लिए, और बाद में जो आपका ये है वो करता, और बाद में सर जब रात में टाइम मिलता होगा तो है ना सर मैं वो उसका नहीं, नोट्स. सुनो सुनो, मेरा जो काम है ना, मेरा जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको तुम है ना फिलहाल रिलैक्स के लिए ले लो. क्यों बताए? देखो मेरे को ऐसा लगता है ना, मतलब मैं जैसे ही तुम्हारा फाउंडेशन खत्म करूंगा ना उसके बाद तुमको बहुत टाइम मिलेगा, समझ में? फिर मेरे तो क्लासेस रहेंगे नहीं, तो उसके बाद कैसे बताए, मैं बीच में भी स्टार्ट करूंगा ना तो मैं तुम्हारा एकदम अच्छे से ले लूंगा. मतलब कैसे, देखो अगर तुम्हारी मॉम ने ऐसे मेरे को बोला कि सर हम लोग फेब में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हाँ तो मैं पीछे से भी आऊंगा ना तो मैं मोलो ले लूं. अरे ये सब इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में 10 मिनट में पढ़ा देता हूँ बेटा सिर्फ. अच्छा हाँ मतलब बहुत स्पीड है, देख रहे ना तुम. मतलब अपन हाँ कितना सारा गप 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 करते हैं और ऊपर हाँ से अच्छे से, तो अपने को इतना नहीं है. लेकिन कैसा है, तुम प्रॉपर करो. देखो मैं वही बताया था ना, वो स्ट्रैटर्जी नहीं फॉलो करोगे ना तो नहीं हो पाएगा. पहले चैप्टर उसका थियरी एकदम अच्छे से पढ़ो, उसके बाद हाँ एकदम अच्छा नोट्स बनाओ, और नोट्स के बाद सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, और एमसीक्यू में मार्किंग ठीक है. कौन सा आया कौन सा नहीं आया, बस यही फॉलो करोगे ना, मैं तुमको बता रहा ना आराम से 600 पाओगे. सर मैं मार्किंग तो कर रहा हूँ कि मेरे को कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, वो सब मैं कर रहा हूँ. और बुकलेट सिर्फ दो ही सॉल्व करने का, बस हाँ ज्यादा नहीं. एलेन एलेन था, और बाद में एमजे का तो करना ही एमजे, पड़ेगा. हाँ एमजे. और जब ये हो जाएगा ना तो जब तुम 12th में जाओगे ना तो एक यूएसएस कर लेने का बस. हाँ और सुनो और सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये तीनों हो जाएगा ना तो फिर प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेने का, ठीक है सर. समझे? हाँ ऐसा है, मैं तो जनरली यही सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि अभी भी अगर आपका चैप्टर हो गया ना, जैसे मैंने कराया तुमको हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो ये प्रीवियस ईयर कर लेने का. लेकिन फायदा क्या है तुम्हारा, ये एलन के मॉड्यूल में रहता है, एलेन के मॉड्यूल में रहता है. हाँ एमजे में भी डालेंगे वो लोग, एमजे में भी डालेंगे. सर एमजे के अंदर है ना वो है ना हर एक बुक में से है ना कुछ डाल देते हैं सर. तो क्या रहता है कि फिजिक्स के अंदर है ना वो लोग है ना HC वर्मा तो रहता है, बाद में वो खुद का क्वेश्चंस रहता है, और ऊपर से है ना खुद का ऐसा बना देते कभी और वो कैसा है डाल बता देते. बेटा, सुनो सुनो, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व 500 क्वेश्चन, इट इज इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व 50 क्वालिटी क्वेश्चन. हाँ क्या होता है बताए, लोग ये यूएसएस कर लेते हैं, और यूएसएस में है ना दुनिया भर के क्वेश्चन है, एकदम अंडू झंडू सब क्वेश्चन है उसमें. हाँ और होता क्या बताए, टाइम बहुत कंज्यूम कर लेता है. तो तुम 500 करने के बदले 50 करो ना, अच्छा अच्छा हाँ क्वेश्चन जिसमें हाँ तुम्हारा सारा टेस्टिंग भी हो जाए और टाइम भी बच जाए, हाँ सर हाँ समझे? और फोकस रहो, 2 साल के बाद है ना फिर तुमको कोई पूछेगा नहीं कि ये करना है. सिर्फ मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेना डिफिकल्ट होता है. हाँ तो ये समझ में आ गया ना, एटॉमिक नंबर कार्बन का हाँ 6 है, अरे सर नाइट्रोजन का लेकिन है 7. ना अभी ऐसा है ना कि मैं ना हर दिन है ना अच्छा अच्छा खासा बैठ जाता हूँ, पढ़ता हूँ मैं, और बहुत देर तक पढ़ता हूँ. ऐसा नहीं है कि कोई दिन आलस खा गया, अभी अच्छे से नहीं, बैठ रहा हूँ अच्छा मैं. अच्छा और प्रॉपर करना, प्रॉपर जो हाँ फॉर्मेट मैंने बोला ना वो यूज करना, नहीं तो क्या होगा बताए, पढ़ रहे हो लेकिन बोलते हैं ना वही बुक लेके बैठे हो, लेकिन बोलते हैं ना दिमाग में क्वालिटी कुछ काम नहीं घुस होता नहीं रहा क्वालिटी. है, सेटिस्फेक्शन हाँ भी नहीं आता है पढ़ने का बाद में. हाँ और कुछ कुछ चीजें ना तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा उसको, सिर्फ जितना रिवाइज कर सको उतना. जैसे ऑर्गेनिक का बेसिक्स हो जाएगा ना, हाँ आइसोमेरिज्म, तो सिर्फ वही नोट्स पढ़ने का और ठीक है नोट्स पे लिखते जाने का पेंसिल से कि ये मेरा 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया. ओके और मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ ना, मतलब मेरे नोट्स के बारे में, क्योंकि अगर तुम कभी उस नोट्स से गो थ्रू करोगे ना तो उसमें हाँ देखोगे हर एक टाइप के समय, हर एक हाँ टाइप के. हाँ सर वो है. अभी अभी सर क्या हुआ कि है ना ये जो भी होएगा ना अपना क्लासेस का टाइमिंग वो मॉर्निंग स्लॉट में शिफ्ट हो जाएगा, तो है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे को बहुत टाइम मिलेगा बाद में पढ़ने को. ये लोग ने कुछ हिंट दिया कभी से या ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है कुछ? राय नहीं कुछ नहीं. चलो देखो, अब तो इफ द सर अब फर्स्ट, तो हाँ बहुत टाइम लगेगा, ऊपर से एक कॉन्गो फीवर भी आ रहा है, और एक कैट क्यू वायरस करके भी एक है. हाँ तुम तो यार डॉक्टर फैमिली से हो, तो क्या बोल रहे पप्पा, मतलब कम नहीं हो रहा है ये, बढ़ते ही जा रहा है? क्या कम नहीं हो रहा कोरोना? हाँ. वो सर कम होएगा ही नहीं, बहुत टाइम लगेगा सर.
अरे सर आपको पता है रिसेंटली है ना, मैं ना देखा कि वो जो कोरोना वायरस है ना म्यूटेट किया, हाँ, उसके वो अंदर तो है है। ना वो अमाइनो, वो एक अमाइनो ग्रुप जो भी रहता है ना सर, वो है ना हाँ, प्रोटीन का। हाँ हाँ वो है ना, वो अपने सेल्स के अंदर वो प्रोटीन से जुड़ जाता है, लेकिन है ना सर अपना एक थायमिन है ATGC, तो है ना सर ये है ना ऐसा बॉन्ड्स, ये है ना नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं जो हाइड्रोजन मालूम बॉन्ड्स है, में, हाँ, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। हाँ तो सर इसके अंदर है ना वो थायमिन, वो जो अमाइनो एसिड कोई तो एक चीज था जो है ना वो है ना थायमिन से बॉन्ड होने लगा अभी, अच्छा तो वो अच्छा है ना और आराम से स्प्रेड होएगा अभी ह्यूमंस के अंदर में, थायमिन तो नाइट्रोजिनस बेस है। हाँ। तो अरे सर अरे ऐसा ही कुछ था कि है ना वो कोई तो एक पर्टिकुलर से अच्छे से अभी क्या बोलते हैं बॉन्ड बना सकते हैं, फिर उसके अंदर जा कनेक्ट हो सकते हैं वो सेल से और अच्छे से, अरे और यार, इतना हाँ तो और बढ़ेगा मतलब उसका वो अभी क्या बोलते हैं स्प्रेड और फास्ट बार होएगा। का एकेडमिक ईयर गया, मतलब मई तक आराम है हम लोग को। हाँ, मतलब घर हाँ से ही पढ़ाओ। हाँ चलो ठीक है। इफ द फर्स्ट एटम इज सेम देन गो फॉर। मैं आपको लिंक भेजूंगा सर वो जिधर मेरे को मिला था क्लास के बाद। ओके ओके, देन गो फॉर सेकेंड एटम एंड सो ऑन। सर फर्स्ट एटम इज ओके, सेम मतलब समझा मतलब नहीं। जैसे दोनों में अगर कार्बन कार्बन हो गया तो फिर अपन दूसरे एटम को देखेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ ना, क्लियर हो हाँ जाएगा। हाँ ये देखो एग्जांपल, देखो ये ऐसे कोई है कार्बन, और यहाँ पे क्या अटैच है? CH3। ठीक है, यहाँ पे भी CH3 अटैच है, और यहाँ पे क्या है? OH। ठीक है, अब इधर देखो, इधर भी C अटैच है, इधर OH है, इधर OH है, और इधर CH3 है। तो अगर तुम इसको देख रहे हो पहले, दोनों में इसको पहले तो इसको देखेंगे, तो वो तो हाँ सेम हो गया। हाँ ये पता ना, ये अपना पैरेंट है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा हाँ 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 यहाँ पे। हाँ, अब इधर देखो, तो ये कार्बन से ये कार्बन भी सेम, ये भी सेम। हाँ ओके, लेकिन अगर इसको देखो तो इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है, तो इसका कैसे लिखेंगे? पहला एटम कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, लेकिन इसमें कौन सा एटम है? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो देखो, पहले ने पहले को कैंसिल किया, सेम। हाँ दूसरा कार्बन एंड कार्बन है ऑक्सीजन, अभी और है ना ये ऑक्सीजन है, लोगों का मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर देखेंगे मतलब, तो एटॉमिक नंबर हाँ, ऑक्सीजन का ज्यादा ये है तो जीत उसको जाएगा। ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगा। हाँ, तो दिस वन इज हायर प्रायोरिटी। ओके और सर अगर ऐसा हुआ कि अच्छा हाँ वो तो आपने बोल दिया ना कि आइसोटोप पे देखेंगे वो लोगों का। हाँ, मैं सारे केसेस डिस्कस कर दूंगा। मतलब कैसा है बता, देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ना, मतलब अब तो तुमको रियलाइज हो गया होगा। मतलब जैसे तुमको ऐसा लगता होगा कि सर ये होता है ये होता है, वो आगे मैं बता ही देता हूँ कि ऐसे हाँ भी केसेस आते हैं। हाँ तो कैसा है बता, यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम इन टू दिस वन एंड वी आर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 10 साल से ज्यादा हो गया और हम हाँ लोग ये पढ़ा रहे हैं, मतलब ना, तो हमको पता है कि वो क्या पूछेगा और कैसे पूछेगा, हाँ और वो समझा क्वेश्चन को कब कैसे ट्विस्ट करेगा ताकि बच्चे उसका आंसर ना दे पाए। और फिर दूसरा, बच्चों के दिमाग में क्या आता है जिसकी वजह से वो गलती कर जाते हैं। हाँ ओके, इधर देखो, टेक आउट द फर्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑर्डर, जैसे कि तुमको दिया है, यहाँ पे ओ दिया है और यहाँ पे ओ दिया है, और यहाँ पे सी दिया और यहाँ पे ओ दिया है। तो देखो, पहला अगर देखो तो दोनों में सेम है, हाँ तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। हाँ इसको देखोगे तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो नो डाउट ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, ये कम प्रायोरिटी वाला है। हाँ ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो सेकेंड ग्रुप है गेट्स मोर प्रायोरिटी, ओके मोर सेकेंड ग्रुप गेट्स मोर प्रायोरिटी प्रायोरिटी कंपेयर टू फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप। समझा आया समझ में? हाँ ऐसा है। और ये सब जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ना, ये किसी और ने नहीं, यही तीनों ने बताया था, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। एंड आई प्रीलॉग एम नॉट श्योर दैट वेदर दे आर साइंटिस्ट और नॉट, और मैं उसमें है ना जाने की भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि ये कोई बड़ा काम नहीं है। मतलब अब जैसे हेजेनबर्ग और स्क्रॉडिंगर ने जो चीजें बताई थी ना, उसको वो देखने के बाद मेरे को इंटरेस्ट हाँ जनरेट हुआ था कि भाई चलो देखते यार, बहुत बड़ी चीज बता रहा है ये, हाँ राइट ना। अब इन लोग क्या बताया है, ये सब तो यार चिरू मिरू, तो इसके लिए क्या हाँ जानना हाँ किसने ये हाँ किया। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, एनी मल्टीपल बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है।
इसमें क्या बच्चे गलती करते हैं ना, मैं वो भी बता देता हूँ. एनी मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट शब्द का मतलब क्या होता है, इक्वल टू, जैसे इक्विवेलेंट वेट होता है ना, इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में, उससे रिएक्ट करे या रिलीज करे. तो यहाँ पे क्या होता है पता है, एनी मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू सेम नंबर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. अब दिमाग में डाउट आता है वो कैसे, तो वो मैं बताता हूँ. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विद सेम एटम, मतलब किधर भी ऐसा डबल बॉन्ड या फिर आ गया तो उसको एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड जैसे हाँ, उसको अपन सिंगल बॉन्ड में कंसीडर करेंगे. और वो कैसे करेंगे वो देखो, एग्जांपल मान लो तुमको सीएन दे दिया, ठीक है. तो ये देखो, सबसे पहले क्या करोगे तुम, यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच. अब जरा देखो इधर सी, ये सी डबल बॉन्ड है, कार्बन के कितने बॉन्ड कम हो गए, दो दो, तो उसको दो नाइट्रोजन लगा दो. नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड कम हो गए, दो, उसको कार्बन लगा दो. समझा, मतलब कार्बन को नाइट्रोजन लगाने का और नाइट्रोजन को क्या लगाने का, कार्बन. ऐसा ओके. और इट कैन बी, इट इज डन वर्चुअली, मतलब एक्चुअली में होता नहीं है, हम ऐसा कर देते. हाँ बराबर, ओन सेल्फ लिख देता और इजी वर्ड, खुद से करते हैं यहाँ पर. और कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं आप पता है, अब देखो अब यहाँ पे है ना, उनका चूरन पानी चेयर को क्या करते हैं वो, ये सी करेंगे, ये एन, और यहाँ पे एन एक्चुअली चूरन पानी नहीं है, वो भी एक किसी किसी बुक में है ना, रेफरेंस बुक में ऐसा लिख देते हैं. तो कैसा होता है, आप कौन सी रेफरेंस बुक यूज करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है. तो फिर आगे चल के ना वो ऐसे करते हैं, इसको भी कार्बन, इसको भी कार्बन, फिर कार्बन को तीन तीन नाइट्रोजन लगाते हैं. अच्छा, ऐसे मतलब समझ में आ रहा है, वो लोग फैंटम यूज करते हैं, फैंटम मतलब नेवर एंडिंग. हाँ, तो ऐसे तो यार फिर नाइट्रोजन को वापस कार्बन, कार्बन को कार्बन लगेगा, कार्बन को और नाइट्रोजन और ऐसा. लेकिन आपन है ना, आपन आपन सिंपल क्या करेंगे पता है, आपन बॉन्ड को तोड़ के फैंटम ज्यादा नहीं जनरेट करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ बॉन्ड्स के इक्वल जनरेट करेंगे बस. ठीक है, ऐसा. तो बॉन्ड तोड़ने का और बाकी का वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का. अब देखो इधर इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये सारे क्या है मेरे दोस्त, ये वर्चुअल है. हाँ, एक्चुअली में है ही नहीं, ये एक्चुअल में तो है ही नहीं. हाँ. और देखने जाओ तो ये और ये, यही तो क्या है, रियल है. हाँ समझ में आया. हाँ सर, समझा. ओके. और बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो एक बार और दिखाते हैं फैंटम बना के. अच्छा हाँ, फैंटम का तो मैंने बता दिया ना. हाँ बता दिया आपने कि वो नेवर एंडिंग होता रहता है और ऐसा है. तो अपने को नंबर ऑफ बॉन्ड तोड़ना है सिर्फ बस. इधर देखो सेकेंड एग्जांपल देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच था ना, तो अब इसको कैसे करेंगे, सी सर ऑक्सीजन पे एक कार्बन डाल देंगे एंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन डाल देंगे. वेरी गुड. अब इसमें वर्चुअल कौन से हैं, वर्चुअल वो कार्बन एंड ऑक्सीजन ब्लू में, ये वर्चुअल हो गए. ठीक है ना. और फिर अपने रियल, रियल वो कार्बन एंड ऑक्सीजन येलो में, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये सारे रियल है ना. हाँ ऐसा है, समझा सर. ठीक है ना. हाँ, तो अपने को क्या डिसाइड करना था, ये और ये, इसमें और इसमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, सी एन में और सी एच ओ में, राइट. तो देखो इसका कैसा था, इसमें मैंने ऐसे खोला था ना, राइट. तो अब इसमें पहले ग्रुप को देखो, पहले ग्रुप को ये किससे किससे अटैच है, एन 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 बराबर. चलो इसको खोलते हैं, सी ओ सी, राइट. और यहाँ पे ओ और ये एच. चलो इसको देखो, ये डायरेक्टली किससे अटैच है, ऑक्सीजन 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 एच ओ ओ एच, राइट. हाँ तो देखो ये पहले से यही जीत गया ना. हाँ यही जीत गया, तो प्रायोरिटी सी ओ एच को मिलेगा, बराबर. हाँ
हो गया। अच्छा सर, इसका मतलब कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप रहता है जैसे COH, CN और वो सब, तो हाँ हाँ वो, हाँ तो हाँ सर अगर है ना कभी हमें पता नहीं है कि प्रायोरिटी ये लोग का कौन से ऑर्डर में, तो हम ऐसा करके फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके हिसाब से पेरेंट और हाँ सब्स्टिट्यूएंट तो कोई अभी भी क्या रखना करते हो। हैं कुछ टीचर लोग, क्या कर देते हैं पता है, ऑर्डर दे देते हैं प्रायोरिटी का, मतलब खुद से लिख के ऐसा ढूंढ के ऑर्डर बना देते हैं, और बच्चे को क्या बोलते हैं कि वो ऑर्डर ऐड करो, और बच्चे लोग ऑर्डर ऐड करने में ही तकलीफ में आ जाते हैं। हाँ, समझा ओके चलो अभी देखो। सर, क्योंकि है ना सर इतना ज्यादा याद नहीं रख सकते, और हाँ ऊपर से बहुत अगर है ना डेटा है। सर, ऊपर से अगर है ना हमें पता चल गया फाइंड कैसे करना है, तो वो तो एक ही चीज है ना, तो एक चीज से हजारों हो सकता है, तो वो बेटर बराबर। है। अब इसमें चलो अपन सबका कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ पहले का करते हैं, उसके कितने उसका सी दो हट जाएगा, सी तो सी, हाँ इसका सी एच, इसको भी एच सी और सी सी, और सी, वर्चुअल को अपन सर्कल कर देंगे, ठीक है ठीक है। राइट। ओके तो इसमें इसमें इसका ये ग्रुप भी ले लेते हैं, ये कार्बन किसको किसको अटैच है, सी सी और सी को सी सी नहीं और सी। नहीं सर, एच एच होएगा ना, वो ब्लू वाला एच होएगा नहीं, ये वाले कार्बन को नहीं लेना है, इसको इस कार्बन को लेना है। सर, लेकिन अभी वो दूसरे वाले को क्यों नहीं लेंगे सर? देखो ये अपना डबल बॉन्ड है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर इधर अच्छा, आएगा, ओके 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 ओके, जो तो उससे स्टीरियोजेनिक जो सेंटर पहला के कार्बन पास है। में हाँ है वो, ठीक हाँ है। और पहले अपन है ना ऐसे ये तीनों को लिख लिए, अब दूसरे का देखो। उससे है ना सर एक कार्बन अटैच होएगा, है? हाँ सही है, सही है। राइट और H2, हाँ अब इसका देखना है, तो सी इसका सी क्या आ एन जाएगा, एच सी सी एन एच सी सी एन एच। तो नो डाउट इन दोनों में तो ये जीत गया पहला वाला। हाँ, फर्स्ट वाला जीत गया। हाँ दूसरे वाले का तो अपन ने किया ही था। हाँ, ऑक्सीजन एंड कार्बन और बाद में एक हाइड्रोजन, तो इसका क्या हो गया। सी मतलब वो OONH ऐसा। अभी नेक्स्ट देखो, तो खोलता हूं ना इसको। हाँ तो ये OONO, तो ठीक तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ये एक आ गया, हाँ, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रायोरिटी किसको आएगा, अल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फिर ये तीसरा हाँ और ये लास्ट। हाँ समझा, तो फोर्थ को सबसे ज्यादा आएगा, हाँ फिर थर्ड को सेकंड आ जाएगा, फिर सेकंड को फर्स्ट, फोर्थ आएगा एंड फर्स्ट को फर्स्ट एंड का थर्ड ज्यादा आएगा, है। हाँ फर्स्ट को जो फर्स्ट को थर्ड फर्स्ट, आएगा एंड सेकंड को फोर्थ आएगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, हाँ ठीक है। चलो अब मैं कुछ तुमको देता हूँ, वो तुमको बताना है। ओके पहला ठीक है सर, देखो, पहला ये सी एन है, और दूसरा क्या है, सी एन एच टू एन एच टू एन एच टू, बताओ। हाँ सर एक सेकंड रुको, ये एंड बाद में, ठीक है ऐसा, सर ये जो, सर ये जो कार्बन है दोनों में, वो तीन नाइट्रोजन से अटैच है दोनों में। बराबर गुड। तो हाँ इधर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर है, लोचा क्या है, इधर और भी इधर भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ ऐसे नाइट्रोजन। अब दिमाग में ऐसा आ रहा है, आप कैसे डिसाइड होगा। तो इधर देखो, इस नाइट्रोजन को दो दो कार्बन अटैच हाँ मैं वही सोच रहा था, और उसको दो दो है, हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको प्रायोरिटी के सबको वजह से, हाइड्रोजन अटैच है, इसको प्रायोरिटी के सबको वजह से हाइड्रोजन अटैच है, तो कार्बन इसको वाला है, ज्यादा प्रायोरिटी है। क्लियर। हाँ ठीक है। हाँ अब दूसरा देखो, सर, अगर वो सब भी सेम हुआ तो मतलब वो भी कार्बन से अटैच होता तो, तो फिर हम लोग वर्चुअल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, फिर रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देते, अच्छा अच्छा समझ में ठीक आया। है, तो इसका ज्यादा प्रायोरिटी अगर यहाँ पे कार्बन होता तो हाँ ना, वर्चुअल से ज्यादा प्रायोरिटी रियल को मिलता है।
हाँ ये सी एच हो गया ऐसे और ये एन एच। चलो एक सेकंड सर, वो सर आपने क्या लिखा है, वो सी डबल बॉन्ड एन एच है कि सी एच है वो? कौन सा है सेकंड वाला? हाँ ये सी एच है। एक सेकंड, ये सी एच है और इधर अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर को मान लो ये अटैच हाँ है। हाँ हाँ वही वही किया है। और इधर एक एच ऐसा है, अगर इसका ये हटा देंगे इधर एन आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, इधर नहीं इसका एक ही निकला है, एन एच सी एच। सर लेफ्ट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। गुड, वो तो दिख ही रहा है ना यार। इसका कैसा आ जाएगा? एन 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 आ जाएगा और इसका क्या करोगे? सी एच आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? एन, हाँ और ये एन को क्या आएगा? सी और ये एच। तो इसका अगर देखो तो एन एन एच है ना, हाँ और देखो देखो ना ये एन डोमिनेट कर जाएगा इस पे। हाँ ठीक है ना, हाँ सर चलो नेक्स्ट है एक सी एच सेकेंड ओ और सर, दूसरा है सर एक सी सेकेंड। ओ ओ एच। एन एच किया, एन एच हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए तुमको। ये देखो ये ऐसे होता है, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। नहीं सर वो तो पता है, मैं वो पहले वाले एग्जांपल को देख रहा था कि मैंने सही किया कि एकदम कैसा किया। एकदम अजीब है ना यार। कुछ दिन पहले हम लोग फिजिकल पढ़ रहे थे तो ऐसे लगता था कि ऑर्गेनिक क्या होगा, और अभी हाँ देखो हाँ सर एकदम ऑर्गेनिक में ये एंट्री आ गई। हाँ सर, इधर से ऐसा हो जाएगा, ये होएगा वो एच, और ये ठीक है। बाद में सर राइट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। गुड गुड। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो यहाँ पे दिया था। ये देखो, हाँ ये देखो, एक ये था और एक ये था, तो अपन ने इसको 1 नंबर दिया था ना, इसको 2 दिया हाँ था। हाँ ये देखो इधर स्ट्रक्चर है। हाँ सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर आपने जैसे वो अल्डिहाइड के लिए वो आपने ओ एच लिखा है, और आपने सी वो सी ओ एच के लिए वो ओ लिखा है, ठीक है सर। तो आपने ये जो क्या लिया है सर, वो ओ एच ओ ले सकते हैं और बाद, अरे सर कैसे समझा अभी आपको, मतलब हाँ समझा, मतलब क्या इसको ऐसे ऑर्डर में लिख सकते हैं क्या? एच ओ ओ या फिर ओ एच ओ। हाँ 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 लेकिन जनरली क्या होता है, जो अपने रियल होते हैं ना पहले अपन उसको ही लिखते हैं। तो देखो ये कार्बन पे अगर देखोगे तो पहले रियल में क्या अटैच था? ओ था ना, तो ओ लिखा मैंने। सर तो फिर एच दूसरा एच लिखना चाहिए, एच हाँ लिखना हाँ चाहिए था हाँ बराबर ना, हाँ लेकिन मैंने क्या देखा हाँ ओ को ये प्रायोरिटी ज्यादा है ओ को तो ओ को प्रायोरिटी ज्यादा लिखा। है मतलब। हाँ तो मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी में लिखते हैं, अच्छा हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ। तो ओ ज्यादा फिर एच सबसे कम, तो उसको बाद में लिखा। अब इसमें तीनों इक्वल है इसीलिए ऐसे लिखा। इधर देखो कार्बन कार्बन पहले, हाइड्रोजन को लास्ट में लिखा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 आता है। हाँ ठीक है सर, मेरे को क्या लगा कि है ना आप ऐसे पहले एंटी क्लॉकवाइज या फिर ऐसा कुछ जा रहे थे, तो नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। जो तुमको हायर एटॉमिक नंबर वाला दिखेगा ना सबसे हाईएस्ट, उसको पहला लिख उसको देना। अच्छा ठीक है सर समझा। तो अभी नेक्स्ट देखो, ये बस इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर ही है। ये आ गया तो फिर सब फटाफट हो जाएगा। ये हो गया और अब जरा देखो इसके सामने कौन आ गया। बेंजीन नहीं सर, इसको बेंजीन थोड़ी ना बोल, हाँ ठीक है अभी बोल सकते। फिनाइल बोलते हैं वैसे। सर आपने वो पहले हटा दिया था इसकी वजह से मैं बोला, वरना नहीं बोल नहीं नहीं सकता। सही। हाँ सर बेंजीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सॉरी देखो फिनाइल को, इसका, फिनाइल को, फिनाइल को। हाँ, इसका देखो कैसे आएगा। ये सिंगल बॉन्ड बना लिया सब, हाँ इधर वो सी सब पे इधर कार्बन सी लगेगा। इधर सी इधर सी बराबर। हाँ अब इधर देखो, इधर ये ऐसे किया बराबर, सबके हाँ डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक इधर सी आ जाएगा, एक इधर सी आ जाएगा, राइट। हाँ और अपने को पहले ही कार्बन देखना है तो मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है। इस कार्बन पे भी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये कार्बन को कौन कौन अटैच है, ये सी कार्बन को सी और देखो, सी 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 और सी। तो ये देखो सी सी सी, ठीक है। अब आगे देखो इसको, इसको कौन अटैच है?
इधर भी सी, इधर भी सी, इधर भी सी, हाँ तो सी सी सी, ये तो सेम हो गया। हाँ तो अब जरा देखो, ये जो सेकेंड कार्बन है, मतलब ये थर्ड कार्बन है, इसको क्या क्या अटैच है? एच सी सी एच, राइट ना, हाँ सी सी एच, बराबर। या फिर इसको एक को ले लो, एच अटैच है ना, हाँ ठीक है ना, इस कार्बन को जो उसको इधर लिया अपन ने, इसको एच हाँ अटैच है। हाँ अब इसमें से किसी को भी ले लो, किस कार्बन हाँ को, मतलब जो रियल था, रियल, तो हाँ ये रियल जो अटैच है, ये कार्बन को अटैच है ना, दो हाँ कार्बन को अटैच है, हाँ ये दो कार्बन को अटैच है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। एक सेकंड सर, हाइड्रोजन नो डाउट उसमें भी है। नहीं नहीं सर रुको, मेरे को हाँ, अच्छा मतलब वो सेम हो गया, तो आपने ना सर वो वो जो सब देखो देखो, पहले जो ये कार्बन को मैंने क्या लिया, ये कार्बन कार्बन सर से आप अटैच है, कार्बन से अटैच है, कार्बन को कार्बन, नंबर दे सकते हो क्या? 1 2 3 वन सर, टू थ्री ले लिया, ठीक है। हाँ तो देखो, वन टू थ्री, तो थ्री को एक हाइड्रोजन अटैच है, हाँ एक कार्बन अटैच है और एक कार्बन अटैच है, जिसमें से ये दो कार्बन है ना, ये हाँ कौन से हैं? ये वर्चुअल है, मतलब वर्चुअल है फैंटम। तो उस पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, अब इसको देखो, ये तीसरा वाला, ये इसका ये पहला कार्बन, हाँ ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है हाँ ना। तो ये पहला ले लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ठीक है। हाँ अब चाहे तो तीसरा तुम इसको लो या फिर इसको लो, हाँ हाँ ओके, लेकिन अगर इसको लेते हो तो ये एक रियल कार्बन से अटैच है, हाँ रियल, हाँ ओके। और ये एक और कार्बन भी तो आया फैंटम की वजह से, हाँ तो चलो फैंटम को हम कैंसिल करते हैं, लेकिन एक रियल है ना इसके पास, हाँ हाँ और वो तो इसका हाइड्रोजन प्रायोरिटी से ज्यादा होगा। ज्यादा उसका प्रायोरिटी, हाँ, ज्यादा प्रायोरिटी रहेगा, समझा समझे। समझा, हाँ तो जब ऐसा लगे ना क्लैश हो रहा है, तो देखना किसके पास रियल है हाँ रादर देन फैंटम। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, और फिर ये पहला एटम है, हाँ, ठीक है। एक सेकंड सर रुको, ऐसा एंड सर ज्यादा प्रायोरिटी है ना राइट वाले को देंगे, वो राइट वाला, इधर हाँ कैसे ही देखो, इधर सी एच हाँ सर एच वो सी एच थ्री, हाँ तो सर CH3 को हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो CHH हो जाएगा और वो हो जाएगा हाँ CCH, CCH हाँ तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा सी एच सी 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 एच थ्री सी हाँ एच थ्री, तो ये आ जाएगा सी सी एच। CCH। चलो नेक्स्ट देखो, SO3H और I है, ठीक है हाँ। अब इसमें सर आयोडीन वेरी गुड, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर नो डाउट सल्फर से ज्यादा है, सल्फर से ज्यादा है, हाँ तो यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एच और फिर सी एच ओ एम ई और यहाँ पे भी ओ एम ई। ऑक्सीजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है तो एक सेकंड सर रुको, मेरे को शायद से आ सकता है। सी इधर इधर ये डाल दो ऐसा एंड सर राइट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि गुड गुड, देखो कैसे, उसके अंदर मिथाइल आ गया, और सर अगर लेफ्ट वाले का कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर वो फैंटम वाले आ जाते हैं। हाँ, ये सी को देखो, दोनों को एच है, अगर तुम हाँ देखो तो ये दोनों को एक एक एच है, तो ये तो हट गया, हाँ ये और इसको डबल ऑक्सीजन, बॉन्ड हो है, लेकिन हाँ इसको रियल हाँ दो डबल, रियल हाँ ऑक्सीजन, हाँ रियल ऑक्सीजन है तो नो डाउट इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, हाँ ओके। अब इधर देखो नेक्स्ट, इसमें भी राइट वाले को, पक्का
एन हाँ सर वही क्योंकि इसको तीन रियल एन अटैच है ना, हाँ वही हाँ और अगर उससे भी देखने जाओगे तो एक नाइट्रोजन को दो रियल कार्बन अटैच है। हाँ हाँ और अगर वो नाइट्रोजन के अंदर तो फैंटम है ना, वो फैंटम कार्बन दो वाले और एक रियल है हाँ। बस। तो एक डायलॉग लिख दें यहाँ पे, रियल ऑलवेज हैज मोर प्रायोरिटी मोर देन फैंटम। ठीक है ना, वर्चुअल। हाँ सर ओके अब ये जरा देखना, पहला एटम यही है। हाँ हाँ सर सर ज्यादा प्रायोरिटी राइट वाले को देंगे। हाँ सिंपल, रियल वाला आ गया ना। सर इस तो सर आपने ऐसा क्यों बोला कि प्रॉब्लम आता है लोगों को इसमें। हाँ वो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनको ये सिंपल सा नहीं पता होता कि रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फैंटम से। अच्छा वो सोचते हैं कि इसको भी तो कार्बन अटैच है, इसको भी तो कार्बन अटैच है, बट उनको पता नहीं इसको तो तुमने अटैच करवाया। हाँ हाँ अब देखो, अब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आएंगे। ओके अब जरा देखो, कार्बन सर लेफ्ट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे कैसे। वेरी सर, क्योंकि वो है ना ऑक्सीजन उसके अंदर पहले आ जाता है, और सर जो राइट गुड वाले उसके वेरी अंदर गुड, एक कार्बन वाह होके ऑक्सीजन आता है। गुड गुड वेरी गुड। तो ये देखो, ये कार्बन इसको इसको अटैच है, मतलब ये कार्बन किसको अटैच है, दो कार्बन को, और ये कार्बन ऑक्सीजन को अटैच हो गया। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कार्बन भी दो कार्बन को अटैच है, हाँ और बाद में नो वो डाउट। लेकिन हाँ ये कार्बन कार्बन को अटैच है, लेकिन यहाँ पे सीधा ऑक्सीजन ऑक्सीजन चाहिए आ जाता ज्यादा है। हो, हाँ और इसको भी ऑक्सीजन अटैच है, वो भी अच्छी बात है। हाँ जबकि इसको सिर्फ कार्बन, मतलब क्या है, अगर दो सिमिलर रिंग है, इफ दे आर आइडेंटिकल रिंग, सिमिलर रिंग, देन व्हाट, मतलब नेचर वाइज, देन हाँ स्मॉलर गेट्स मोर प्रायोरिटी देन। हाँ क्योंकि उसके अंदर वो जो हायर प्रायोरिटी वाला है वो जल्दी आ जाएगा। देन बिगर। ओके चलो ये देखो, लेफ्ट वाला गुड, पहले ही पहले, ऑक्सीजन आ हाँ गया है। पहले ही ऑक्सीजन आ गया। हाँ नेक्स्ट देखो, राइट वाला लेफ्ट वाला चलो अब देखो, अब बताओ। सर से अभी इसके अंदर राइट वाले को देंगे प्रायोरिटी। क्योंकि देखो ना, सेम नेचर ऑफ है। हाँ और उसका रिंग छोटा है। और क्या तुम इसके लिए रीजनिंग दे सकते हो, ऐसा क्यों? इसके अंदर रीजनिंग क्यों छोटे वाले को ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई? देखो इधर, इधर देखो, ये जो कार्बन है ये थ्री हाँ डिग्री है, ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है, राइट हाँ ना। अब इधर देखना, जरा ध्यान से देखना, टू डिग्री टू ये डिग्री कार्बन टू टू डिग्री डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री, बराबर। हाँ हाँ इसमें है ना, इसमें 2 डिग्री वाले कार्बन काफी नजदीक है 3 डिग्री वाले के, हाँ और उसके अंदर और इसमें 2 डिग्री कार्बन काफी दूर है, हाँ मतलब हाई प्रायोरिटी के ये बहुत नजदीक है ना। अच्छा इसकी वजह से।
आ गया समझ में? ठीक है नेक्स्ट देखो। समझा सर, समझा। राइट वाले को ज्यादा देंगे प्रायोरिटी, क्योंकि कैसा है? हाँ छोटा है वो और वो ज्यादा तो ट्रिक पास। काम कर गया ना। हाँ, इधर देखो, ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक ऑक्सीजन को अटैच है और एक कार्बन को अटैच है, बराबर ना? हाँ लेकिन इस कार्बन को देखो, हाँ दोनों ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अब समझ में आया, ये कार्बन तो दोनों ऑक्सीजन को, ये कार्बन भी दोनों ऑक्सीजन को अटैच हाँ है, लेकिन ये कार्बन में ये कार्बन का प्रायोरिटी ज्यादा आता है, हाँ समझ में आया? हाँ इसके लिए इसका ज्यादा, तो मैंने है ना वो ट्रिक तुमको पहले ही लिख के दे दिया। हाँ कौन अच्छा सर, सा मतलब बताओ? वो जो स्मॉलर रिंग वाला, एक्चुअली देखे तो ऐसा कुछ है नहीं, वो है ना यही एक उसका रीजन है बस। वो उस बोल सकते हैं कि छोटा रहता है तो हाई प्रायोरिटी मिल जाता है हाँ वो जल्दी उस। आ जाता है। हाँ जल्दी आ जाता है चलो वो। अब तुमको EZ करना है, ठीक है? अब आ गए अपन मेन जो एग्जाम में आएगा, C11C, CH2, CH3, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, CH3, ओके, यहाँ पे है H और यहाँ पे है Cl CH2, CH2, पता है ना? ये दोनों में प्रायोरिटी देखना होता है, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप में, फिर हाँ। ये कार्बन के दोनों ग्रुप में। तो चलो बताओ ऊपर वाले में किधर प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है? हाँ सर एक सेकेंड। सर लेफ्ट वाले में ज्यादा है, तो ये वन हो गया, वन हो गया। और इस हाँ नीचे वाले में तो राइट वाला तो ये क्या हो गया? ये ना ई हो गया। हाँ गुड, ऐसा है, समझा समझ में सर। आया? हाँ अब ये EZ का यूज किधर होता है, देखो जरा ध्यान से। अगर यही CH3, ये जो CH3 1 है, अगर ये लेफ्ट में हो जाता ना, तो ये बड़ा ग्रुप इधर CH3 बड़ा ग्रुप रिपल्शन होगा और वो कम स्टेबल होगा, समझ अच्छा में आया ना? अच्छा मतलब ऐसा जूसा में जो रहता है वो कम स्टेबल रहता है ई से। नहीं, सब में नहीं, सब में नहीं, वो डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है, अच्छा समझे? ऐसा हाँ है। हाँ दूसरा देखो, अभी चॉकलेट वॉकलेट लेके बैठे हो कि नहीं? नहीं सर कुछ नहीं। मेरे लेक्चर में लेके बैठने का, चॉकलेट वॉकलेट खाते रहने का। हाँ चलो ठीक है इसमें देखो, सर। अभी ऊपर वाले के अंदर लेफ्ट और राइट में किसका ज्यादा रहेगा? क्लोरीन क्लोरीन है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, तो है ना प्रायोरिटी ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ब्रोमीन। हाँ सर लेफ्ट वाले को ज्यादा दे देंगे। हाँ हाँ अब ऐसे मत सोचना इसमें तीन तीन क्लोरीन है, पहले प्रायोरिटी में ही ब्रोमीन जीत जाए हाँ 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 ना, मतलब इसमें कैसा ClClCl आएगा, लेकिन इसमें बी ब्रोमीन ही आर पहले एच आ और गया। एच आएगा, तो पहले हाँ ब्रोमीन ही इसको ले लेगा आटे, हाँ कि मतलब मेरे पहले घर के मेंबर से तो जीत, हाँ 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 बाद में वो छोटे लोग को देख के क्यों टाइट हो रहा हाँ हाँ समझा सर। है। हाँ इसमें CL वो और CL सर राइट वाला। नहीं, लेफ्ट वाले को ज्यादा प्रायोरिटी, देखो ना, एक ही इसी कार्बन को सीएल भी अटैच है, सी अटैच है, इस हाँ कार्बन को दो दो हाइड्रोजन अरे अटैच अरे है, चलो हाँ सॉरी, मैं वो ऑपोजिट कार्बन को कोई देख बात लिया उसका। हाँ मैं ठीक है ना? दूसरा कार्बन देख लिया गलती से। ये देखो C11C CN CHCl2, और यहाँ पे आ जाएगा OHCH2, और इधर आ जाएगा OHCH2, तो इन दोनों में डिसाइड करो। हाँ सर, तो ओ एच एच आएगा और वो एन वाला आएगा तो पहले लगता है वो ही जीत रिलेटेड। जाएगा हाँ ना तो ओ ही बेटा, जीत वो जाएगा। पहले ही हाँ जीत जाएगा हाँ 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 इसमें। ओ एंड सी राइट वाला। हाँ तो ये ई हो जाएगा। ई अभी देखो वो मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, क्योंकि पता है मेरे मैंने कुछ काम धंधा नहीं था, माँ इन्हें बाबा जिंदगी भर यही किया है रे, तो माँ पास हाँ कर देता है, हाँ समझ सर में आया? हाँ सर तो वैसे सोचने का नहीं कि सर ऐसे कर रहे, मतलब ये तुम अपना दिमाग लगाते रहने का, सर मेरे को लेकिन समझ में आ रहा है कि
क्या करना है ऐसा? ओके फोर्थ देखो अभी। सर स्टार्ट ऊपर करो। वाले में राइट वाला होएगा एंड नीचे वाले में राइट वाला होएगा, ये सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो ना सी एल सी एल दोनों में, लेकिन हाँ इसमें ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन बचेगा अब सिर्फ। गुड, चलो आप तुमको देते हैं एक। अब आ गया एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक हाँ है। लेफ्ट वाले को ज्यादा दे देंगे इस ऊपर में। सर ये जेड होएगा। ओहो गुड गुड गुड, जेड प्रायोरिटी ऑर्डर बताओ दोनों लेफ्ट में। वाले सब वन नीचे भी लेफ्ट। सो छोटी रिंग थी ना, हाँ। रिंग ट्रिक काम में आ गया ना। हाँ चलो इसका बता दो। एक सेकंड सर, एक दो एक सर, ऊपर वाले में एक सेकंड, आप वैसा कंपेयर करेंगे ना? हाँ सर, तो जो राइट वाला है उसके अंदर ऊपर वाले को मिलेगा एंड जो लेफ्ट में है सर उसमें ना उसमें एक सेकंड का, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार ऊपर वाले को मिलेगा। हाँ तो जेड। चलो लास्ट एग्जांपल। ओके हाँ सर। ये अगर तुमने कर दिया ना, मतलब तुमको इजेड आ गया फिर, अच्छा ठीक है सर। समझे। हाँ सर। ठीक है। सर वो जो राइट वाले है सर उसके वाले में नीचे वाले को मिल जाएगा प्रायोरिटी क्योंकि उसके अंदर रियल वाला है। सोचो सोचो। सी 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 एक सेकंड सर। हाँ सर, वो राइट हैंड साइड वाला लो सर और उसके नीचे वाले को मिलेगा प्रायोरिटी। हाँ जरा देखो इधर, वो नीचे वाले को और अपन प्रायोरिटी का बाहर देते हैं, जब दोनों में आइडेंटिकल हो जाता है तब ना बेटा। फैंटम लगाने के बाद जब आइडेंटिकल हो जाता है तब अपन देखते हैं ना कि अपन हाँ रियल को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हाँ अब जरा देखो ना, इसमें इसको हटाओ और फैंटम लगाओ, हाँ इसको हटाओगे मैं तो एक इधर आएगा एक इधर आ जाएगा, बराबर ना। एक सेकंड एक। हाँ सही 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 तो ऊपर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी आएगा, राइट ना। हाँ। और सर लेफ्ट वाले में नीचे वाले को बराबर, तो ये आ गया। ई। सो यू नीड प्रैक्टिस, हाँ सर। समझा। हाँ ये सर एक सेकंड। सर ये जो
फैंटम का रहता है सर, हम ऐसा कभी सोचते कि फैंटम को ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे और रियल को कम। फैंटम लगाने के बाद और रियल लगाने के बाद दोनों में ना आइडेंटिकल आता है, ठीक है? तो अपन फिर फैंटम को प्रायोरिटी देते, आइडेंटिकल जीत जाता है। तो इधर देखो ना, इधर क्या था, मैंने जब इसका बनाया, फैंटम बनाया मतलब वर्चुअल बनाया, तो मैंने क्या देखा पता है, इस कार्बन पे भी एक कार्बन आ जा हाँ रहा है, समझ में? या फिर चलो ना ऐसे ले लेते हैं, देखो इधर ये एक ग्रुप ले लिया और ये एक ग्रुप ले लिया, और इसमें जो कार्बन है ना वो अपन इसको मान लेते हैं, हाँ ठीक है ना? इस कार्बन को मानते हैं, इसमें एक और कार्बन होगा ना, हाँ एक मिथाइल। इसका भी एक ऐसे फ्री वैलेंसी होगा, ठीक है? तो अब जरा देखो इसका, इसको जरा फैटम फैंटम बनाते हैं इसका। तो ये ऐसे होगा, फैंटम कैसे आ जाएगा, और उसमें एक इधर कार्बन सी लग आएगा, जाएगा। एक हाँ इधर सी आएगा, और इसमें ये तो ऐसे ही रहेगा, और इधर इसका सी रहेगा। तो जरा देखो ना इस कार्बन को देखो, ये भी तीन कार्बन से अटैच है, ये भी तीन कार्बन से अटैच है, हाँ लेकिन इसका ये जो कार्बन है, हेलो सर, फैंटम का। हाँ बोलो, वो अटक गया था बीच में, वापस से रिपीट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आवाज आ रहा है? ये हाँ सर आ रहा है, अभी आ रहा है। देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन इस हाँ कार्बन को अटैच है ना, हाँ नो डाउट इसमें अब दोनों इक्वल हो गए, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ इस कार्बन को लेके इक्वल हो गया, आप हाँ इस कार्बन को लेके, हाँ राइट ना? अपन देखते हैं तो फिर क्या देखे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कार्बन को इधर देखता हूँ, इधर देखता हूँ, हाँ तो इस पे तो ये कार्बन अटैच है, लेकिन इस पे कुछ अटैच नहीं है। नहीं, ठीक है समझा समझा समझा। ऐसा था। तो ये एंड में इसलिए दिया क्योंकि कैसा होता है पता है, जब बच्चे बोलते हैं ना कि अभी मैं परफेक्ट हो गया हूँ, अब मेरे को सर कुछ भी दे देंगे ना तो फिर मैं कर लूंगा, अच्छा ओके? जरा सा थोड़ा सा आइसोटोप का डिस्कशन है वो भी कर लेते हैं। अमोंग अमोंग आइसोटोप्स, वो तो मैंने तुमको इन जनरल बता ही दिया था, हायर वेट वाले, हायर मास वाले को प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास मास, ऑफ ठीक है आइसोटोप। ना? हाँ बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है, देखो स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, दिस प्रायोरिटी ऑर्डर हैज टू बी अप्लाइड, दिस प्रायोरिटी ऑर्डर हैज टू बी अप्लाइड ओनली इफ अल्काइल ग्रुप आर आइडेंटिकल, ओनली इफ आइडेंटिकल ग्रुप अल्काइल ग्रुप आर आइडेंटिकल इफ ऑल द आइसोटोप, ऑफ हाइड्रोजन आर कंसीडर्ड टू बी एच। ये स्टेटमेंट को जरा एक दो बार पढ़ लो। हाँ सर मैं पढ़ ही रहा था सर। मतलब अगर एक का दो कार्बन ले लिया जिसके बीच में हमें फाइंड करना है, तो सर वो उसके बीच में वो CH3 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 अटैच है, तो सर हमें वो देखना पड़ेगा कि वो H3 में भी वो कौन सा ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है वो। हाँ हाँ बराबर, ये देखो CH3 और ये CD3 है, बराबर? हाँ तो हाँ हाँ इसको हाँ ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, हाँ मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप का नेचर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होना चाहिए, हाँ समझा। तभी। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, CH2 CH3 है, ठीक है? और यहाँ पे CHD है और यहाँ पे CH3 है, अब बताओ। अरे CHD राइट वाला, उसके हम्म, अंदर D पहले ही अब आ इधर गया, देख, तो हेलो सर हेलो सर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो सर। हाँ आवाज आ रहा है आदि। हाँ सर अभी आ रहा है सर, मेरा ही तो नेटवर्क इधर, प्रॉब्लम है। तो इधर देखो ये CD2 है ना, हाँ तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई, ठीक है? अब जरा देखो, अब जो एग्जांपल दिए ना वो इम्पोर्टेंट है। सर एक सेकेंड CH2। हाँ सर समझा मेरे को वो वाला।
अब जो एग्जाम्पल है ना वो इम्पोर्टेंट है, सी डी टू सी एच थ्री, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखो क्या है, सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, राइट। CH2, एक सेकेंड सर रुको, CH2 CH2 CH3 एंड लेफ्ट वाले CD2 CH3। हाँ, तो अब दोनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल है क्या? नहीं तो क्या हुआ, इफ नॉट आइडेंटिकल, ऊपर वाला स्टेटमेंट वापस लिख रहा हूं, देन कंसीडर ऑल एटम टू बी हाइड्रोजन। ऑल एटम मतलब किसको? डी को भी एच लेने का, आइसोटोप का। हाँ, एंड देन डिसाइड प्रायोरिटी ऑर्डर। हाँ चलो बताओ किसका ज्यादा होगा। लेफ्ट वाले का ए, लेफ्ट क्या? वाले का ऐसा होगा, रे बाबा एक देखना, सेकेंड। ये कार्बन को, अब इसको भी हाइड्रोजन ले लेगा ना, तो हाँ वो, हाँ ये सी एच थ्री अटैच है, लेकिन दूसरे कार्बन का देखो ये सी एच है, एच है, लेकिन ये सी क्या अरे क्या हाँ है, सॉरी एच सॉरी है, सॉरी 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 हाँ सर, समझा समझा और इसमें समझा। सी एच अटैच है, तो ये हाँ ज्यादा हो गया। मेन हाँ हाँ समझा समझा। वाले में ही गलती कर दिया, जो मतलब अलग था। अरे हाँ नहीं सर, हाँ समझा सर, वो बीच बीच में थोड़ा हो जाएगा ऐसा। चलेगा चलेगा। तो इसी के साथ अपना ईजेड खत्म होता है। हाँ सर, अब नेक्स्ट आता है सिन और एनटी, हाँ ठीक है। मतलब सर कभी भी अगर प्रायोरिटी डिसाइड करना रहेगा, ई एन जेड यूज करेंगे। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर सेम ग्रुप है और वो सेम साइड है फिर सिसेंट्रा, देखो अपोजिट साइड है तो सिसेंट ट्रांस में भी, सिसेंट ट्रांस में भी बेटा अपन यूज कर सकते हैं ईजेड। समझ में आया? हाँ ईजेड है ना, हाँ थोड़ा सा हाँ ब्रॉडर वे है, कहीं पे भी लग सकता है, तो हाँ डिपेंड करता है क्वेश्चन में अपन क्या बोलते हैं ना, पूछा है। लेकिन देखो हाँ जिस हिसाब से मैं पिछले साल का पैटर्न देख रहा हूँ ना, 2 साल से हाँ क्वेश्चन है ना पूरा एनसीईआरटी पे ही आ रहा है। मतलब कैसा अच्छा बताए, ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हाँ ये नहीं पूछी जा रही है। अच्छा मतलब जो पहले नीट का लेवल था ना, कि मतलब बुक में से नहीं आता था पेपर, वो वो थोड़ा अब अब चेंज अभी हो गया। चेंज हो गया है हाँ, अब क्योंकि नीट है ना, इजी हो गया, इजी हो सर गया। एम्स आ गया इसकी वजह से क्या? नहीं, उन लोग को है ना ऐसा लगता है ना, देखो क्या हुआ था बताया, वो बीच में कोई कमीशन था या कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कुछ मीटिंग हुआ था, उसमें क्या डिसाइड हुआ था क्या पता है, कि प्रीवियस कई सालों में ऐसा देखा गया कि जो बच्चे बहुत अच्छी कोचिंग लेते हैं ना, हाँ उनको अच्छा अच्छा आ उन जाता है सब। हाँ हाँ उनको ही अच्छा आ पा रहा है, और जो थोड़े पिछड़े साइड के लोग हैं, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, सर तो या फिर जो उनके लिए वो एनसीईआरटी, अच्छा। हाँ सर ऐसे भी होंगे ना जिनके पास वो कोटा का भी कुछ होएगा नहीं और ऐसे ही। हाँ 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 अभी कैसे तुम हो तो मान लो चलो ठीक है, ये सब देख लिए। अब ये इजेड का नामो निशान नहीं है टेक्सट बुक में। अच्छा। हाँ, तो अभी अगर इसका क्वेश्चन पूछा तो फिर वो कैसे कर पाएंगे, समझा तो समझा। वैसा है। तो इस बार तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एम्स को ऐड किया है तो शायद बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कैसा है बताए, अभी शायद ये हफ्ते में रिजल्ट है बेटा। हाँ पता है सर। ये हफ्ते में रिजल्ट है। हाँ, तो ये बोल रहा था कि एम्स का ऐसे सोच के हमने सोचा कि चलो क्वेश्चन इस बार अच्छा मारेगा, लेकिन देखा तो एकदम मतलब ऐसा तो कभी पेपर ही नहीं आया। मतलब हाँ ये हो गया कि उन लोगों ने इजी कर दिया, तो शायद ऐसे भी हो सकता है, इट्स बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, हाँ हो सकता है सर, ऐसा है। लेकिन अगर पैंडेमिक ऐसा बोला है तो सर इसका मतलब लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा पढ़ने को, इसका मतलब ज्यादा डिफिकल्ट पूछना चाहिए था ना। लेकिन कैसा हो जाएगा पता है, देखो अगर पेपर इजी बना तो मेरिट बहुत हाई जाएगी, हाँ वो है। सीट सीट तो वही रहने वाली है ना, और पता है ना मेरिट हाई जाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम, कम। हाँ तो वही बात है, वो लोग पेपर इजी बनाए चाहे डिफिकल्ट बनाए। हाँ, लोगों को लगता क्या है पता है, अरे मेरा नीट अच्छा गया, मैं 600 के ऊपर मार रहा हूँ, बट ये भी तो सोचो बहुत सारे लोग 600 मार रहे हैं, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, ये सीट टाइम थोड़ी पे ना तो बढ़ने सर वाली। बहुत सारे आएंगे 600 के ऊपर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार शायद 720 ना आ जाए, नीट का रिकॉर्ड ना टूटे सर इस बार, 720 नहीं आएगा, 720 के पास आ सकता है। देखते हैं, क्योंकि कुछ हाँ ज्यादा इजी था यार। हाँ हाँ वो है। दिस कॉन्फिगरेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑक्साइम्स, ओके। ऑक्साइम सिखाया था बताए फंक्शनल ग्रुप में, हाँ सर, बताओ ऑक्साइम का फंक्शनल आइसोमर कौन सा होता है ऑक्साइम का। चलो पहले मैं तुमको वो बता देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप
चलो ये देखो, आया याद, नहीं सर, ये फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? अमाइड, अमाइड। हाँ ठीक और सर, ये मैं ऐसा ऑक्सीजन, तो श्योर देखो, नहीं हूँ। मैं एक मतलब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन। एक हाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ठीक है सर। समझे? हाँ सर, और ये बनता कैसे है वो बता देता हूँ। इधर देखो, ये आर है, ये सी है, ये डबल बॉन्ड एच है, ये कोई क्या होगा, अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। हाँ और इसको किससे रिएक्ट कराओगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, या फिर हाइड्रोक्सिल हाँ अमीन से। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन। तो देखो, चूरन मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ निकालेंगे और यहाँ से एच निकालेंगे। हाँ ऐसा जनरली ऑर्गेनिक में ऐसे पढ़ाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये इधर अटैक मारता है, वो सब मैकेनिज्म है। तो हाँ 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 इधर देखो, सर, तो तो यहाँ सर से फिर अगर क्या आ जाएगा? देखो, नाइट्रोजन का अगर लोन पेयर जाएगा उधर, तो सर उसके वजह से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, एंड जो नहीं ऑक्सीजन नहीं है। तो उससे है ना, उससे क्या होगा बताए, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन अपना एच प्लस देगा, और वो एच प्लस कौन ले लेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है। हाँ और फिर ओ एच से ना ओ एच टू ओ बन के बाहर निकलेगा हाँ ऐसा। तो ये माइनस एच टू हो गया, और ये सी डबल बॉन्ड एन ओ एच आ गया। देखो, हो गया ना, हाँ आया ना। तो अब हाँ इसमें देखो, इसमें इसके है ना दो आइसोमर बन सकते हैं, कैसे, जरा ध्यान से देखना। ये आर, ये सी, ये एच, ये डबल बॉन्ड एन, ये लोन पेयर इधर और ये एच इधर, बराबर। ये हाँ आर सी इधर, ये एच इधर, ये डबल बॉन्ड इधर, ये एन एच इधर, और ये लोन पेयर इधर, हाँ देख रहे हो ना। हाँ अब एक लड़का बोलता है, सर सिंपल तो है सर, इसको पलटी मार दो, इसको पलटी मारो, इसको ऐसा पलटी मारो, देखो यही आएगा। तो बेटा एच भी नीचे आ जाएगा, हाँ वही पलटी वही मारने जाएगा, वही वही एक था। तो हाँ भूलना मत, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। हाँ ना यहाँ पे। तो इसको है ना, इसको बोलते हैं अल्ड ऑक्साइन, ये दोनों को अल्ड ऑक्साइन। कैसे आया ये? अल्डिहाइड और यहाँ हाँ से ऑक्साइन, ठीक है सर। समझ में है ना, अल्ड हाँ ऑक्साइन। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कीटोक्साइन, अच्छा, मतलब ये कीटोन आर जैसा वन, कुछ ये होता है। सी डबल बॉन्ड हो, और ये आर टू प्लस एच टू एन ओ एच। तो ये क्या दे देगा? आर सी डबल बॉन्ड एन आर वन, आर टू डबल बॉन्ड एन एच, ये लोन पेयर, हाँ ठीक है। प्लस दूसरा इसका क्या हो जाएगा? आर वन सी, आर टू डबल बॉन्ड एन लोन पेयर ऊपर, एच नीचे। सर, अभी जब R1 = R2 हो गया, इसके अंदर तो फर्क नहीं पड़ेगा तब ना, नहीं दिखाएगा, तब तभी नहीं नहीं दिख। दिखाएगा, क्योंकि हाँ अब ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, अपना तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा जीआई का। हाँ GI का होएगा ही नहीं बाद में। हाँ, सिखाया था ना। हाँ चलो, तो अब वापस क्वेश्चन आ गया। सर, ये सब क्वेश्चन क्या है जरा? GI ही है ना अभी तक जो भी कर रहे हैं। हाँ, कितना कुछ है सर, लेकिन कितना वास्ट हाँ है। हाँ, ऐसा है। ए, ये सब मतलब सब तुम सबको नहीं मिलता यार, ये सिर्फ हाँ यही है, मतलब चाहे तो कम पढ़ा सकते हैं, बट वही होता है फिर यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दैट 45 क्वेश्चन। आप प्रिपेयर कर हाँ रहे हो 35 के लिए, हाँ 35 to 40 क्वेश्चन, ऐसा है। ये हो गया ना। हाँ, विच अरे सर, आपको ऑफ, पता है ये जो ATP बैच का हुआ था ना, तो सर अपने स्कूल में कोई था जो ये कॉलेज में है, 12th में है वो, ठीक है, वो अच्छा JEE वाले कोर्स पे PCM, तो है ना अच्छा सर वो भी ATP के अंदर है ना, तो वो बोला था कि ना ATP बैच को IIT हैदराबाद से सिखाने आते हैं लोग। अच्छा अरे, इवन आई एम फ्रॉम हैदराबाद, याद रहे, यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, अरे सर, वो आज ऐसा के नहीं। ऐसा बोलते हैं, तो बाद में वो मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा था कि एक बार वो उसने बात किया ना वो ओके स्कूल ओके, वाले से, ऐसा बोले कि हाँ हाँ IIT हैदराबाद से आते हैं, तो भाई एक बार ATP में घुस गए तो लाइफ सेट और ऐसा सब। अरे डोंट वरी यार, यू जस्ट कंपेयर इट, व्हाट एवर आई हैव टॉट यू, यू कंपेयर इट टू एनी हाँ आईआईटी इन सर, अदर, एंड लेट मी नो, यू नो व्हाट द ओनली डिफरेंस इज, व्हाट यू नो,
आई डिड नॉट गो टू आईआईटी, आई जस्ट वेंट फॉर आइडल डोसा सांबर, नथिंग एल्स इज देयर. यू जस्ट द डे यू विल फाइंड इट लाइक यू नो दैट यू हैव स्टडीड एनी चैप्टर व्हिच आई हैव टॉट यू एंड you are being taught in your classes, you are having my entire video lecture, just compare it, you will come to me. अरे सर जब होएगा तो सर बाद में ही पता चलेगा सर, ये लोग तो कुछ किए ही नहीं सर. So one day, on that day, even you will come. सर वापस से चला गया आवाज. हेलो सर. अयो रामा तुम्हारा नेट कैसे जी? अरे सर पता नहीं सर हो रहा है अभी. चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये लगता है मेरा ही नेट का प्रॉब्लम है. अपना ही सांबर खराब, अपन दूसरे के सांबर को बोलते हैं, कोई बात नहीं. चलो देखो. अरे सर पता नहीं मेरा नेट खराब है कि नहीं, इसके लिए मैं ऐसे ही बोल दिया कि मेरा. ओके देखो. विच ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ऑक्साइम फॉर्मेशन कैन शो जीआई? ठीक, पहला है HCHO. बोलो जल्दी, HCHO दिखाएगा कि नहीं? इसको फॉर्मल डिहाइड बोलते हैं जी. ये देखो HC डबल बॉन्ड OH. हाँ इधर देखो, नहीं दिखाएगा. नहीं दिखाएगा, बताओ क्यों? सही ना सर? क्यों? लेकिन रियल आई वांट द रीजन. सर जो ऑक्सीजन है ना सर, उसके आजू बाजू में ना वैलेंस बॉन्ड रहेगा और ऊपर से सर कार्बन के आजू बाजू में हाइड्रोजन है. Look here. You will remove O and you will put what? NOH. Now look here. H3C. This is C. This is H, my dear student. This is H and this will be. Sir, तो हम. Oi, wait a second. I forgot O here. Sir, हम nitrogen क्यों घुसा रहे अंदर sir? नाइट्रोजन कैसे? ये ऑक्साइम बनाने के बाद ही जीआई दिखाएगा ना रे बाबा. ये देखना, ये सब बताया ना, एल्डिहाइड कीटोन. अच्छा एल्डिहाइड. अच्छा सर मतलब कभी भी पूछ लिया कि कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसके अंदर सर वो नाइट्रोजन घुसा देने के और बाद में बोलने का कि ये जीआई बना था कि नहीं. हां क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ही ये दिखाता है ना. अच्छा कहीं पे अगर वो भूल गया रहूंगा तो बना दे, बता देना. ये ओ थोड़ा सा मैं भूल गया, देखो ना इधर से ओ लेना. हां सर मैं वही देख रहा था कि सर वो ओ किधर गया. ठीक है, ये देखो ना, ये दोनों ग्रुप अलग है. हाँ. और यहाँ पे एक जगह लोन पेयर आएगी और एक उसका उल्टा होगा, पता ना, OH के जगह पे लोन पेयर जाएगी और OH नीचे आएगा. हाँ, हाँ. तो इट विल शो जी है. यस सर. ठीक है, एल्डिहाइड है ये. चलो नेक्स्ट देखो, H3C C डबल बॉन्ड O CH3. नहीं दिखाएगा. क्यों नहीं दिखाएगा, जल्दी बोल सर. CH3 सेम. ओए एब्सोल्युटली करेक्ट, तू तो होशियार लड़का है यार. ये देखो सही है, लग रहा है तू यस सर का स्टूडेंट है. चल नेक्स्ट देख ले, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसका बता दो. हाँ सर एक सेकंड. दिखाएगा. यस, ये दोनों ग्रुप अलग है, ये एक नंबर होशियार लड़का रे तू. चलो देखो आगे, इसका बता रे बाबा. अगर ये तूने बताया ना, मतलब होशियार है सच में तू. नहीं दिखाएगा. क्या बात है यार, यस सर का स्टूडेंट है तू. आगे देख, इसका बताओ. एक सेकंड सर, रुको सोचने दो. तुम सोचो जी जब तक हम सर. दिखाएगा दिखाएगा. क्या बात है, एक नंबर. ऐसा स्ट्रक्चर है ना इसका. हाँ तो ये जाएगा और ये दोनों ग्रुप अलग हो गए. हाँ सर. इसका बताओ जी. हाँ सर बता रहा हूँ. हाँ सर दिखाएगा. गुड जी. और सुनो माई तुमको क्या बोलता है. ये बाबा माई क्या बोलता है तू सुन रे. माई जो पढ़ाया ना तेरे को, तू देख ना, वो हैदराबाद से आने दे, IIT बॉम्बे से आने दे, चाहे बनारस से आने दे, मेरा इडली डोसा सांबर एक नंबर.
समझा क्या? तू कंपेयर करके देख लेना, ये दिखाएगा कि नहीं? क्यों क्यों बताओ। सर दिखाएगा ना वो मिथाइल आ गया ना उधर, वेरी गुड, ये दोनों ग्रुप अलग हो गए। अलग हो गए। हाँ देखो इधर से आओगे तो ये कार्बन, एक कार्बन पे ये लग गया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अलग है। देखो हाँ ठीक है, तो ये भी दिखाएगा। नेक्स्ट, ओ अयो रामा जी, बताओ ये दिखाएगा कि नहीं? सर, ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे ऐसा आप बोल रहे हो क्या? नहीं, ये जीआई दिखाएगा कि नहीं? सीन और एनटी वाला, सिंपल। एक्सेलेंट। सीन एनटी तो बाद में देखेंगे, पहले जीआई दिखाएगा कि नहीं वो बताओ। नहीं दिखाएगा सर, वो सेम प्लेन में हो जाएगा। सॉरी सॉरी, डिफरेंट प्लेन में हो जाएगा, लेकिन L1 L2 सेम रहेगा शायद से। सही। नहीं, प्लेन इनका सेम है और जीआई दिखाने के लिए सेम प्लेन ही होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा प्रॉब्लम क्या है अच्छा पता है? प्रॉब्लम क्या है? इधर देखो, अपन क्या सर, बोले, ये कार्बन के अक्रॉस दोनों ग्रुप अलग होना चाहिए ना। नहीं, सर ये मेरे देखो को, आइडेंटिकल है पूरा। सर रुको सर, आप रुको सर, ये जो एक CH3 ऐसा आएगा ऐसा, एंड हाइड्रोजन ऐसा नीचे आ जाएगा, तो सर इधर से एंड इधर से डिस्टेंस सेम हो जाएगा, तो सर नहीं दिखाना चाहिए। हाँ तो मैंने तो बोला ना, नहीं दिखा रहा है, हाँ तो सर, नहीं सर आपने बोला दिखा रहा है। ऐसा बोला। हाँ अयो सर, रामा, मेरे को लगता मैंने डोसा ज्यादा खा लिया। सर देखो इधर मैं, अब आ सर गया। मैं सही था, सर मैं सही था। ओके ओके, चलो सिद्धू, चलो अभी अगर इसका आंसर दिया ना तो मतलब तेरे को मैं डोसा गिफ्ट करेगा। चल बता जल्दी, मैं तेरे को डोसा गिफ्ट देगा। अयो रामा, ये अपने आप किधर से आते हैं? सिद्धार्थ, ये एग्जाम्पल देखो यार, चलो बताओ ये दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? जी है, दिखाएगा सर, कैसे दिखाएगा यार? अब ये देखो ना, ये पूरा तो आइडेंटिकल हो गया ना, यहाँ पे अगर हटाओगे तो ये पूरा हाँ आइडेंटिकल हो पूरा गया, आइडेंटिकल हो। एक सेकेंड तो फिर कैसे दिखाएगा? सर, अरे ऐसे अरेंज करोगे, देखो इधर ऐसे लगाए, इधर एक मिथाइल, इधर एक मिथाइल, डबल बॉन्ड एन ओ एच, और हाँ यहाँ पे लोन पेयर। हाँ बताओ अभी। अच्छा समझा सर, समझा। हाँ नहीं दिखाएगा। तो इसको अगर पलट दोगे, इसको अगर पलट दोगे हाँ तो भी हाँ तो अरे वो सर, ऐसे ही समझा रहेगा। समझा 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 समझा। ओए अरे लेकिन ये दिखाएगा, तो मैंने तेरे को सर, उल्लू बनाया। मैं पहले यहाँ पे बोल, नहीं दिखाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा। हाँ क्यों सर तो मेरा क्या पता है? मतलब यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हो था, और जाएगा, तो नीचे एक शायद नीचे हाइड्रोजन भी आ जाएगा ना सर ये ऐसा। दोनों जोन पे दिखाएगा। और इसमें है ना, इसमें शिन और एंटी नहीं दिखेगा, इसमें शायद ईजेड और सिस ट्रांस दिखे, लेकिन इसमें ये ग्रुप पे नहीं दिखाएगा। सर तो मैं पहले आसान? बोला था दिखाएगा सर, मैं बोला था नहीं, दिखाएगा। लेकिन तू, तेरे को असली वाला रीजन नहीं पता था ये बाबा। मेरे को तेरे को क्या लगता है? मेरे को नहीं मालूम है क्या? मेरे को सब कुछ मालूम है, बोस सर को मैं पढ़ाया पहले मैं। बोला था सर आएगा सर। ओके ठीक है, अभी मेरे पास बहुत एग्जाम्पल है। चल अभी नहीं, तेरे को देखते हैं मैं। चल चल चल, देखते हाँ ठीक हैं है सर, कितना आते ठीक हैं है तेरे। सर, चल हाँ चलेगा। ओके, पहला कुछ रूल है वो सिखाता हूँ मैं, फिर आगे ठीक देखते हैं। है सर, सर मैं सही बोला था सर स्टार्टिंग में सर। हाँ हाँ सही थे, लेकिन तुमको ना थोड़ा सा रीजन नहीं बता था। यहाँ पे ना ये वाला अरे सर, पार्ट नहीं अगर दिखा रहा, ये आपने ऐसा वाला। बोल दिया कि नहीं दिखाएगा तो मैं मान लिया सर। अच्छा, इफ ग्रुपिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन, कंक्लूजन लिख रहा हूँ, हाँ सर, कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड कीटोन इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। समझ में? इफ ग्रुपिंग ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज डिफरेंट, देन इट विल, शो जी आए। देन इट विल शो जी आई, एल्स नॉट, एल्स नॉट नॉट। ओके, मतलब सिंपल बात, इफ ग्रुप आर आइडेंटिकल तो नहीं हाँ दिखाएगा, बराबर ना? हाँ सर, सेम ही चीज हो गया ना, मतलब अगर सेम ग्रुप है तो नहीं दिखाएगा, डिफरेंट है तो दिखाएगा।
और अभी ये जो लेटेस्ट एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल, हाँ इट विल नॉट शो, इट विल नॉट शो सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी एंटी, ओके हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्साइम. एक सेकेंड. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्साइम सर. हाँ वो मतलब तो यहाँ ऐसे पे, सर वो तो ऐसे यहाँ नहीं वाला नहीं दिखा रहा दिखा, है तो सर यहाँ पे नहीं दिखाएगा. ऑक्साइम का ये सीन, सीन और एंटी कब यूज करते बेटा, जब आपने ना लोन पेयर से नहीं नहीं रिलेशन नहीं ला. नहीं 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 सर अगर ये ऐसे ही नहीं दिखा रहा है जी है, तो सर सीन एंड एंटी का क्यों बात क्यों करना है सर. हाँ मतलब ये पार्ट में सीन और एंटी नहीं दिखाएगा जैसे अपन हाँ स्पेसिफिकली बोल रहे हैं हाँ ऐसा. तो विद रिस्पेक्ट हाँ टू ऑक्साइम बोला है तो सर वो जीआई नहीं दिखा रहा, तो सर सीन एंड एंटी का भी बात नहीं करेंगे ना. हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्साइम, देखो जीआई जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है बराबर. हाँ एक्सिस ट्रांस होता है, ए सिन एंटी होता है, इजेड हाँ टाइप का होता है. तो हम लोग देख रहे हैं ना इसमें ये सिन और एंटी टाइप का नहीं दिखा रहा, लेकिन दूसरे टाइप का जीआई दिखा रहा है. पता है मैंने साइक्लो अल्केन में सिखाया था तुमको. हेलो, हाँ सर साइक्लो अल्केन में सिस ट्रांस सिखाया था ना, वो सिस वाला ट्रांस. दिखा रहा. हाँ हाँ सर तो सिस और ट्रांस दिखाएगा वो तो इधर होएगा ना सर, हाँ इसके तो वही इसके लिख के रहा लिए हूँ ना, होएगा ना. बट इट विल शो, बट इट विल शो. हाँ हाँ वही वही वही, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस. समझ में आया? हाँ सर विथ रिस्पेक्ट टू रिंग, हाँ क्यों? क्योंकि रिंग किसका काम करेगी? हिंडर्ड रोटेशन, हाँ सर बराबर ना. ये नोट अच्छे से नोट करना, तो हाँ सर अच्छा अच्छा नोट मिलेगा. हाँ सर ओके, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो नो रिलेशन रिलेशन बिटवीन सिन एंटी ई एंड जेड सिस ट्रांस एज वेल एज सिस एंड ट्रांस. समझा? तो जो तुम्हारा वो जो फ्रेंड था, वो सीनियर से मिला था, वो फ्रेंड किस में है? नीट में कि वो जो जो 12th वाला. इंजीनियरिंग अच्छा में? नहीं नहीं तुम बोल रहे तुम्हारे फ्रेंड ने बात किया था ना हाँ उससे. हाँ जो मेरा फ्रेंड है ना वो पीसीएम इंजीनियरिंग. अच्छा, मतलब सर मेरे को एक क्वेश्चन है सर, ये पीसीएम लेकर आर्किटेक्ट. अच्छा हाँ वो तो सेम ही हो गया ना. हाँ ठीक है सर समझा. हाँ ये सिलिका विलिका क्लास लगाते हैं लोग, हाँ 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 सिलिका लगाते हैं और फिर उधर से जेई का पेपर देते हैं. मतलब आर्किटेक्ट का भी कोर्स अलग से ये लोग कर रहे हैं और ऊपर से जो क्लासेस में चल रहा है वो और ऐसा. और ऊपर से हुआ क्या है पता, अभी ये लोग ने आर्किटेक्ट में जेई के मैथ्स को भी डाल दिया. अच्छा हाँ मतलब डिफिकल्ट हो गया अभी, पहले जैसा नहीं है. तो लोग बोल रहे हैं ना ये मोस्टली कि टीचर विचर बुलाते होंगे तो जनरली मैथ्स के लिए बुलाते हैं, क्योंकि मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा होता अच्छा है. समझा ऐसा है. सर समझा. इधर देखो, यस सर तो फाइनली मैंने एक रूल बनाया. मैंने मतलब ऑब्वियसली हाँ हाँ ये जो भी केमिस्ट्री जो हमसे पहले आके पढ़े थे, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन. पता है ना एक एनओएच था, एनओएच था एक, और एक लोन पेयर था, हाँ हाँ इज ऑन सेम साइड. ऑफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ध्यान से समझना, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप. हाँ मतलब अगर जो OH या फिर कोई भी दूसरा. हाँ OH है तो सर अगर वो सेम साइड है लोअर प्रायोरिटी के उसमें ऐसा बोल रहे हो आप. हाँ कार्बन के, तो उसको अपन सिन बोलेंगे, ठीक है एल्स एंटी. अच्छा मतलब इफ द ग्रुप ऑन नाइट्रोजन इज ऑन सेम साइड, तो नाइट्रोजन हाँ पे ग्रुप एक ही है ना यार, OH है, हाँ 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 किसके? लोअर प्रायोरिटी के. हाँ तो सर सिंपल सी बात है, लोन पेयर किसके साइड होगा? हाई प्रायोरिटी के. हाई प्रायोरिटी के. हाँ हाँ तो ऐसे कुछ कुछ टीचर है ना ऐसे भी बोल देते हैं कि लोन पेयर और हाई प्रायोरिटी सामने रहेगा ना तो सीन बोलेंगे, लेकिन अपन क्या बोलते हैं, अगर ग्रुप और उसका जो प्रायोरिटी ग्रुप है हाँ सेम साइड में होएगा तो सिन बोलेंगे और सीन एन. बोलेंगे. चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छा क्लियर होगा.
तो ये सी डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पे ओ एच है और ये लोन पेयर है, ठीक है। हाँ और यहाँ पे एच थ्री सी है और ये एच है, राइट। हाँ ऐसा हुआ तो अब ये देखो, ये ग्रुप अटैच है और इसका लोअर प्रायोरिटी नीचे है ऑपोजिट देखो साइड है, सॉरी एंटी सेम साइड है, सेम साइड है, सेम साइड। एक सेकेंड, इधर देखो, इफ द ग्रुप बॉन्डेड टू नाइट्रोजन इज ऑन सेम साइड ऑफ लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, लेकिन ये हाँ ऑपोजिट साइड है ना। ऑपोजिट साइड है तो एंटी हाँ, वही बोल ये रहा था। मेरा ही थोड़ा सांबर के चक्कर में दिमाग खराब हो गया। देखो इधर, अब इसी का सीन कैसे बनाओगे, OH को नीचे डाल देंगे या फिर हाँ कुछ भी कर सक उसको भी उल्टा कर दो। राइट ना। हाँ तो ये क्या हो गया सीन, तो याद रखना नाइट्रोजन का ग्रुप और इधर कौन सा लोअर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी। इधर नाइट्रोजन का ग्रुप देखने का, इस पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप देखने का। हाँ ओके अगर वो लोग ऑपोजिट साइड है तो एनटी और सेम एंटी साइड है तो सेम। देखो सिन अभी मैं बोलता हूँ हाई प्रायोरिटी को क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर इसका ग्रुप लोगे और हाई प्रायोरिटी को लोगे और लिख हाँ दोगे अगर सेम साइड है तो आप लिख सकते हो उसको क्या, सिन सेम साइड सिन लिखोगे तो उसको सिन बोलना पड़ेगा ना, हाँ लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है हाँ एनटी, एंटी होता इसीलिए है हाई प्रायोरिटी वाले को नहीं लिया। समझ ठीक में आया, हाँ 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 रीजन बता दिया मैंने तुमको। हाँ सर मतलब लोअर प्रायोरिटी वाले के हिसाब से बोलना पड़ेगा कि सिन है कि एंटी। हाँ, और नाइट्रोजन के ग्रुप को देखना हाँ पड़ेगा। हाँ वही ओके चलो एग्जांपल देखो, पी एच सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन एच, और क्या होगा बता, एग्जाम में लोन पेयर नहीं दिखाते, हाँ ऐसे वो एच को पता एक साइड दिखा देंगे। वो पता अब सर बताओ, अब ये बताओ, सॉरी सिन होगा ये नहीं। ओ एच होएगा। हाँ वही 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 तो सर अगर है नहीं सर ये ना एंटी होएगा एंटी एंटी। गुड गुड, ये ओ एच इधर और ये हाँ इधर, हाँ ठीक है ना। हाँ सर अब ये देखो, पी एच सी ई टी डबल बॉन्ड एन ओ एच, सर ये भी एंटी होएगा नहीं सिन 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 ओके वो वाला सिन मत समझ लेना, मैंने पाप किया है, नहीं नहीं पाप नहीं हाँ सर कितना सारा पाप किया मैंने। हाँ सर समझ में आया हाँ सर ऐसा। समझा सर अब ये पीएच हो गया, ये सी हो गया, ये सी एच थ्री हो गया, ठीक है, हाँ और यहाँ पे डबल बॉन्ड एन ओ एच। ओए ये क्या, मैं सेम चीज बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ वही सर ऊपर वाला ही है ओके और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, प्रायोरिटी ऑफ एनी ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ एनए ग्रुप एनी ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर। मतलब समझ में, समझ में आया। अच्छा मतलब कोई भी ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे लोन पेड से ऐसा। हाँ, सो ऑन दिस बेसिस वी कैन असाइन असाइन ई जेड, ई एन अच्छा जेड तो टू सीन एन, वन एंड टू डाल देंगे। अच्छा। हाँ टू सीन एन एन टी। चलो आ जाओ इसमें देखो, ये कौन सा ग्रुप है वन, ये कौन वन सा ग्रुप है वन सेम और वो साइड, नीचे टू आएगा। सेम साइड, ये हाँ सेम साइड आ गया ना, दूसरे को हाँ मत देखो यार, सेम अच्छा साइड हो गया ये, तो हाँ हाँ तो ई क्या हो बोल गया देंगे। जेड हो गया सॉरी अरे बाप रे क्या हो रहा है। हाँ सर बाबा ये ही बोला अरे तो सेम हाँ साइड हाँ हाँ है, अरे अरे ऑपोजिट हाँ सर लेने हाँ करे हाँ ऑपोजिट, हाँ 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 ये अरे सर तू वो थोड़ा इडली डोसा टाइम खाने, नहीं वो इडली डोसा खाने वाले को साथ रहेगा ना, तो ऐसा ही होएगा। सांबर अरे हाँ सर नहीं खाने का था, नॉर्मल हाँ ठीक है सर खाना खाने का। नहीं खाऊंगा सर चलो अभी अंबर तुम्हारा टेस्टिंग आ गया, देखते हाँ अभी। हाँ सर देखो एच थ्री सी सी एच, ओ या डबल बॉन्ड किधर गया, एन ओ एच। चलो बता दो, ई जेड बताना, ई जेड। ई और जेड बताना है ई और जेड ई सर ये है ना जेड। गुड, ये हायर प्रायोरिटी, ये हायर प्रायोरिटी, हाँ उल्टे पता है सी नाइनटी बताने से ज्यादा अच्छा ई जेड लगता है, हाँ सर क्योंकि पता है सी नाइनटी में ऐसा देखना पड़ता है हाइड्रोजन का ग्रुप और सामने वाले का रॉयल प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी अगर सेम साइड तो फिर सेम, हाँ ऐसे मगज मारी है थोड़ा ऐसा। हाँ सर और यहाँ पे डबल बॉन्ड एन, ये ओ एच और ये लोन पेयर। चलो बोलो
हायर प्रायोरिटी, ये हायर ई प्रायोरिटी। ई बहुत फटाफट बता तेरे बाबा, हाँ सर। लगता है यस सर का स्टूडेंट है तू। चलेगा हाँ चल देखता हूँ। ई ई सर OH आएगा ना। वाह वाह, वो किधर चला जाता है क्या मालूम, लगता है ई उसको भी सांबर पसंद है। देखो इधर, ई क्या, एक सेकंड, Z बोलना चाहिए मेरे को। ई बोल दिया मैं गलती से, Z बाबा तू यह सर का स्टूडेंट नहीं है। चल है। ये PH हो गया, ये C हो गया, ये H3C हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH आ गया। चलो बोलो जल्दी। ये है ना सर, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड पे ई ई ओके ई चलो फर्स्ट। अच्छी बात है। ये फाइनली बता दो, CH3C H5C2 डबल बॉन्ड N, ठीक है, ओके यहाँ पे OH आ गया, बता दो जल्दी। ये ई यस ई फॉर एप्पल। ई फॉर इडली। हाँ सर। चलो अभी अपन नेक्स्ट करते हैं। ओके अभी कीटोक्साइम के लिए करते हैं। किसके लिए? कीटोक्साइम। किटोक्साइम, मतलब एक चीज समझ गए ना तुम आदि, कि ये जो सिन और एंटी आया था, ये फिर ये सिर्फ और सिर्फ अल्डोक्साइम और कीटोक्साइम के लिए आया था, क्योंकि उन लोग में ही कार्बोनिल ग्रुप होता है, और वो कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करता है? NH2O इसके साथ रिएक्ट करता है, हाँ समझ सर, हाँ में है? हाँ और किधर भी दिखाना ये तो मेरे को बोल देना, फिर तू हैदराबाद से पढ़ ले या फिर यूपी से पढ़ ले, कहीं हाँ से भी। सर। चलो आदि देखते हैं। कीटोक्साइन का स्ट्रक्चर तो भाई और बहनों बताओ, इसमें ये सर कौन से एक टाइप का है? ये सिन है या एंटी है? सर, ये ना सीन है। यस, तुमने भी बहुत सारे सिन किए, कैसे पता है? अपने पास्ट में देखो। ये ग्रुप हो गया और ये लो प्रायोरिटी हो गया, सेम हाँ सर, साइड इसके लिए सेम। अब जो बताता हूँ ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन। ओके ठीक है okay. सर। लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम सेम साइड साइड, सिन, द नेम कैन बी रिटेन, द नेम कैन बी रिटेन इन टू वेज। ठीक है, पहला देखो, पहला हाँ सर, आएगा सिन मिथाइल, सिन वो जो पीछे एग्जाम्पल था ना उसी का बता रहा हूँ, हाँ सिन मिथाइल हाँ फिनाइल कीटोक्साइन। ये क्या बता रहा है कि ये जो मिथाइल और फिनाइल है ना, वो अच्छा सर, मतलब इसे हम है ना मिथाइल फिनाइल और बाद में सर वो जो OH ऐसा लगा रहेगा सर, उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। हाँ बराबर बराबर ओके। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हो, एंटी मिथाइल फिनाइल कीटोक्साइन। इधर देख लो, एक बार स्ट्रक्चर को देख लो, ये फिनाइल हाँ मिथाइल, तो मिथाइल से ये अगर OH ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, एंटी। हाँ ओके देखो ये हाँ पहला वर्ड इंपॉर्टेंट, एक सर, सेकेंड मैं इसको समझा थोड़ा, मेरे को समझा। एक सेकेंड एक सेकेंड, कैसा है रे बापा, मैं समझा ही नहीं, तू समझ गया? हाँ सर, मेरे को ये समझ लगता है, गया। ये लगता है हैदराबाद का स्टूडेंट है तू। इधर अरे देख, सर यार, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटोक्साइन बराबर, तो हाँ मतलब फिनाइल के साथ एंटी है,
फिनाइल के साथ क्या है? एंटी है। और ये किसके साथ सिन है? मिथाइल के साथ। और मिथाइल के साथ सिन मतलब क्या? ये देखो, मतलब ओ एच और सी एच थ्री सेम साइड, सेम साइड, मतलब फिनाइल के ऑपोजिट है। हाँ हाँ समझ में आया। हाँ समझा ऐसा। ओके तो ये आईयूपीएसी के लिखने का तरीका है। और सर अगर अब लास्ट एंटी फिनाइल बोल दिया, मतलब फिनाइल के ऑपोजिट, मतलब दोनों सेम ही है। हाँ, दोनों सेम है, दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो। अब ये लास्ट और फिर तुम्हारी छुट्टी, फिर तुम जाके जितना चाहिए उतना इडली डोसा सांभर खा लियो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, सर अभी रात में इडली डोसा सांभर सर नहीं। अरे तेरे को क्या पता, तेरे हैदराबाद के टीचर आएंगे लोग से पूछना, वो लोग तो सुबह 3 बजे उठ के भी इडली खाते हैं। हाँ सर ऐसा है, मेरा भी एक दोस्त था, बार बार इडली इडली इडली, मैं बोला ए बाबा तू कितना इडली लेता है, अरे तेरे को डोसा आएगा देख सुबह। देखो इधर, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे, ठीक है। चलो बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ई है या जेड है, जल्दी जल्दी से तीनों का बताना। अरे बाप रे, ठीक है, हायर, तुम ढूंढ के रखो, तुम ढूंढ के रखो, मैं तब तक यहाँ पे एडिंग लिख देता हूँ उसका। सर ये जेड होएगा ना? पहला वाला हाँ पहला वाला ई है बेटा। अरे पहला वाला जो है वो जेड है, हाँ तो जेड बड़े बोला मैं। एक सेकंड इधर देखो, नेमिंग ऑफ, तुम एक्चुअली जिसको पहला जेड बोल रहे हो ना, एक्चुअली वो पहला नहीं आएगा, पहला कुछ और आएगा। इधर देखो, अच्छा नेमिंग ऑफ लॉन्ग चेन पॉली एल्केन इन टर्म्स ऑफ ईजेड सिस्टम, ये आईयूपीएसी में नहीं सिखाया था मैंने तुमको, पता ना इसका आईयूपीएसी नाम भी होता है। हाँ हाँ तो इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये वन होगा, ये टू होगा, यहां से वन टू क्यों नहीं लिया, जल्दी बोलो। सर क्योंकि डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा था इसके लिए। वेरी गुड, हाँ हाँ तो ये देखो, ये वन हो गया, टू हो गया, ये थ्री, हाँ ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन। ओके तो अब इसका बताओ, इसका टू और थ्री के बीच में क्या है? तो ये डबल बॉन्ड किसको है? टू को है। हाँ टू को है, देखो ना ऑपोजिट ग्रुप है, इधर एच आएगा, इधर भी एच आएगा, हाँ ऑपोजिट आ गया ना, तो अपन हाँ, क्या बोल देंगे, टू ई, समझा? ओके नेक्स्ट फोर्थ पे क्या आएगा? जेड, देखो ना सेम साइड है दोनों। हाँ फोर्थ पे जेड आएगा, और सिक्स पे, सिक्स पे भी जेड आएगा। वेरी गुड, और ऐसे ब्रैकेट में डाल देंगे इसको, ठीक है, और फिर लिखेंगे 2, 4, 6, 2, 4, 6 ट्राई इन, नोना, हाँ नोना ट्राई इन ट्राइन, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हो 2e 4z 6z नोना, हाँ 2, 4, 6 ट्राई ट्राइन। बोलो कौन ज्यादा सही है, कौन सा ज्यादा सही है, पहला नीचे वाला? हाँ नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे है ना पहले वर्ड रूट आता है, वर्ड रूट आता है, हाँ, और फिर उसके बाद ये प्राइमरी सफिक्स आता है और बाद में सेकेंडरी सफिक्स। हाँ इधर लेकिन पहले ही लिख दिया, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा अपना सिन और एंटी भी खत्म होता है, ठीक है सर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीआई। अच्छा जीआई का कैलकुलेशन मतलब, मतलब टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना कितना जीआई टिक सकता है। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जीआई खत्म, और फिर हम लोग जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ओके, ठीक है, अलविदा, जाओ खा लो डेकारा इडली डोसा सांभर। हाँ सर ओके बाय बाय सर, थैंक यू सर।